टॉस की घड़ी, जमुई वर्सेस JNKT खगड़िया, दोनों टीम के कप्तान मौजूद, अंपायर विनोद झा मौजूद। किसी को नहीं बोला कि पिछला ही वो बोल दिया, आप भी तो टेल बोले थे, आप भी टेल बोले, हमसे नहीं मतलब है। चलिए बिल्कुल लास्ट, और ये आखिरी कॉल होगी। मेरी टीम में एक चेंज है, नागेंद्र की जगह कुणाल है, और क्या आज टॉस जीत के फैसला किया है आपका? सबसे पहले हम गेंदबाजी करना चाहेंगे, और कितने लक्ष्य पर यानी कि एकदम रखना चाहेंगे जमुई की टीम को? जमुई की टीम बहुत अच्छी टीम है, तो हम कोशिश करेंगे 150 तक रोकेंगे हमारी टीम। 150 के बाद पहले गेंदबाजी करने का निर्णय लिया है JNKT खगड़िया टीम के संदीप बड़ास ने। वक्त हो गया आपको आंखों देखा हाल सुनाने का, तो चलते हैं आपको लेकर अब कमेंट्री बॉक्स की तरफ। हेलो देश दुनिया, खगड़िया और हमारे यूट्यूब चैनल के दर्शकों का बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद। JNKT खगड़िया वर्सेस जमुई का मुकाबला शुरू होता हुआ, प्रथम सेमीफाइनल मुकाबला ये है यूथ फाउंडेशन के तत्वावधान में अशोक सहनी मेमोरियल क्रिकेट टूर्नामेंट का पहला सेमीफाइनल मुकाबला। पहली गेंद फेंकने की तैयारी, दो अंपायर्स विनोद झा और मनोहर गौतम की गेंदबाजी, राइट आर्म ओवर द विकेट और पहली ही गेंद नो बॉल। यानी पहली गेंद पर फ्री हिट का एक मौका मिला है जमुई के बल्लेबाजों को, मौका तो टॉस जीतने के बाद उन्हें बल्लेबाजी का भी मिला। अब शुरुआत कितनी दमदार होती है खगड़िया की, क्योंकि टॉस जीतकर उनके कप्तान ने शतरक्षण चुनी है अपने लिए, फ्री हिट, और फ्री हिट का भरपूर फायदा उठाया है। गेंद बिल्कुल स्टेडियम के बाहर एक इमारत की छत से टकराती हुई खिड़की के ठीक दाहिने तरफ गई थी और एक्स्ट्रा कवर की जानिब एक छक्का निकलता हुआ। अच्छी शुरुआत, जमुई 7 रन बिना किसी नुकसान के, फ्री हिट का भरपूर फायदा उठाया बल्लेबाज हैं राहुल ने क्या दमदार बल्लेबाजी की थी, और अपने अकेले दम पर जमुई की टीम को एक शानदार जीत दिला दी थी। मुकाबले का बेहद रोमांचक मैच हुआ था वो, जब उसको हो रहा था। हवा में गेंद है, मौका और मौके को भुनाया है, अब बिग फिश ट्रैप्ड इन द नेट, एक बड़ी मछली जाल में। पिछले मैच के बड़े ही लाजवाब खिलाड़ी राहुल को मायूस होना पड़ेगा यहाँ पर,
एक छक्का लगाया था, शुरुआत ही आक्रामक, और कहीं ना कहीं से राहुल ने अपनी टीम को थोड़ा सोचने पर विवश कर दिया है। राहुल अकेले आधी टीम में मानूंगा। पहला झटका लगता हुआ, अच्छी सफलता, अच्छी वापसी गेंदबाज की, गौतम की, एक नौ बॉल डाली और अगली फ्री हिट में राहुल ने छक्का भी निकाला था, लेकिन क्या जबरदस्त वापसी की गौतम ने। अगली गेंद बिना फुटवर्क का इस्तेमाल किया किए खड़े खड़े खेला और दूर से खेलने की कोशिश, गेंद और बल्ले में काफ़ी गैप था, काफ़ी दूरी थी और इस वजह से मिस टाइम किया राहुल ने, गेंद हवा में उछली और एक आसान सा कैच कवर्स एरिया में लपका गया। पहले विकेट का पतन होता हुआ जमुई 7, एक विकेट के नुकसान पर। आज भी ये देखिए पूरी तरह से क्लाउडी वेदर, बरसात के सीजन में टूर्नामेंट काफ़ी कम आपने देखे होंगे, लेकिन यहाँ खगड़िया के अंदर काफ़ी वक्त बाद में इस मौसम में कमेंट्री कर रहा हूँ। कट शॉट और गेंद दंदनाती हुई बैकवर्ड पॉइंट की दिशा में चली गई 4 रनों के लिए बाउंड्री लाइन के पार। तो राहुल के आउट होने के बाद ये पहला चौका, अब पहली ओवर ही अभी फेंकी जा रही है, स्कोर 11। दूर से खेला था इस बार भी, भाग्यशाली रहे कि स्लिप और गली एरिया में कोई क्षेत्ररक्षक नहीं था, हालांकि हवा में गई नहीं, जमीन के माध्यम से होती हुई थर्ड मैन की दिशा में। एक ओवर एक विकेट के नुकसान पर कुल 12 रन जमुई का स्कोर। आउट होने वाले बल्लेबाज पिछले मैच के हीरो राहुल तो कहीं ना कहीं से टॉस जीतकर पहले क्षेत्ररक्षण करने का निर्णय संदीप राज का अब समझ में आता हुआ, क्योंकि ऐसे हालात में सेमीफाइनल और फाइनल मुकाबले में कोई भी टीम स्थानीय स्तर पर अगर बातें करें नेशनल इंटरनेशनल को छोड़कर तो कोई भी टीम टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी करना चाहती है। अमन लंबे कदकाठी के गेंदबाज, अच्छी गेंद, सही लाइन लेंथ, तेजी और जो एक फिटनेस होनी चाहिए एक गेंदबाज की, जो बॉडी लैंग्वेज होनी चाहिए, वो सारा कुछ अमन के पास दिखाई पड़ रहा है। लंबे हैं और मजबूत कदकाठी वाले। और यहाँ पर पता नहीं तौफिक क्या करना चाहते थे, माफ करेंगे मयंक, अभी अभी एक विकेट गिरा है जमुई टीम का और ऐसे वक्त में अक्रॉस द लाइन बगैर बॉल को समझे, भाग्यशाली रहे कि अंदरूनी बल्ले के हिस्से को चूमते हुए विकेट की तरफ नहीं गए, संगम नहीं हो पाया था गेंद और बल्ले का। काफ़ी ज़्यादा बाहर गेंद, अंपायर मनोहर का इशारा वाइड, 14 रन एक विकेट का नुकसान हुआ है जमुई। आउट होने वाले बल्लेबाज राहुल जिन्होंने एक छक्का लगाया और उसके बाद वापस पवेलियन चले आए अगली ही गेंद पर। और लीजिए यहाँ पर लॉन्ग लेग की तरफ एक शानदार छक्का निकला है, एक ऐसी जगह है जो डीप फाइन लेग और स्क्वायर लेग के बीच वाली जगह होती है, थोड़ी सी लंबी जगह, और वहाँ से एक अच्छा छक्का निकाला अभी अभी। तो मयंक कुछ जो विशेष करना चाहते थे वो प्राप्त कर लिया इस बॉल पर, 20 रन दूसरा ओवर। तो राहुल के जाने के बाद बल्लेबाज कोशिश कर रहे हैं वापसी की और
बहुत ही खूबसूरत पंच है, लेकिन उतनी ही अच्छी फील्डिंग शॉर्ट एक्स्ट्रा कवर की दिशा में, लेकिन एक रन लेने से रोक नहीं पाए दोनों बल्लेबाजों को। 21 फॉर लॉस वन ऑफ वन विकेट, बहुत ही कड़ी धूप निकली है आज। और ये सेमीफाइनल फाइनल के लिए कमला स्पोर्ट्स की तरफ से बॉल प्रोवाइड करवाई गई है, ये देखिए बहुत ही शानदार, उनका बहुत बहुत शुक्रिया। और यहाँ पे रन आउट करने की कोशिश हुई थी, और ये देखिए सेमीफाइनल और फाइनल में बॉल्स प्रोवाइड करवाने के लिए कमला स्पोर्ट्स क्रिकेट बॉल उन्होंने प्रोवाइड करवाया है, इसके लिए उनके प्रोप्राइटर दिलीप जी को बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद, और धन्यवाद देवराज जी का भी। तो अभी 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 एक खतरा टला है जमुई टीम के ऊपर से, रनिंग बिटवीन द विकेट, जब जब बल्लेबाजों के गड़बड़ाए हैं मैच का नतीजा बदल गया है। नए गेंदबाज आलोक और पहली गेंद वाइट, दूसरी लगातार गेंद आलोक की वाइड आई है। तीसरी गेंदबाज, तीन ओवर यानी तीसरी ओवर फेंकी जा रही है जे एन के टी खगड़िया की तरफ से, और तीसरे गेंदबाज आजमाए गए हैं आलोक। मोहम्मद तौफीक 6 पर, मयंक 7 पर, टीम जमुई 23। और देखिए ये बहुत खूबसूरत शॉट है, बहुत ही शानदार, फाइन लेग एरिया में एक बार फिर से उछाला है, और क्या लाजवाब शॉट। मयंक के बल्ले से ये दूसरा छक्का निकलता हुआ, मयंक 13 जमुई 29, अच्छी शुरुआत, राहुल के जाने के बावजूद कोई असर नहीं दिखाई पड़ रहा है ज्यादा। और यहां से फिर से दूर से खेली गई शॉट है एक्स्ट्रा कवर की दिशा में, एक और यहां पर अंपायर के इशारे का इंतजार रहेगा, जी हां ये भी छक्का है। यूज यूज एंड मैमोथ 6 कंटिन्यूसली, तो दो छक्के लगा चुके हैं मयंक, मामूली सिक्कत काठी, और ये एक और खूबसूरत शॉट, गलत गेंद थी, फुल टॉस ऑफ स्टंप पर, और भरपूर फायदा उठाते हुए 38 सर्किल प्रथम पावर प्ले का एक और चौका निकाल दिया। मयंक पहुंचे कुल 23 पर, 6 गेंदें खेली मात्र, और मयंक 23 पर बल्लेबाजी कर रहे हैं, क्या बल्लेबाजी है। डॉट अभी अभी एक गेंद निकली, दो वाइड डाल चुके हैं अब तक, 16 रन और दो वाइड जोड़े हैं तो 18 रन खर्च कर चुके हैं आलोक। वापसी अच्छी है आलोक की, आलोक मयंक के लिए, और मयंक बड़े ही आक्रामक मूड में दिखाई पड़ रहे हैं, एक्स्ट्रा कवर या कहें तो मिड ऑफ एरिया में गेंद फील्ड हुई, और इसी के साथ एक और ओवर, तीन ओवर की समाप्ति हुई है। 39 39 रन, तीन ओवर, एक विकेट के नुकसान पर, अच्छी शुरुआत जमुई के। चौथी ओवर और चौथा गेंदबाज आनंद, बड़ी खूबसूरती के साथ गेंद के आने का इंतजार किया, लेग गार्ड और बैट एक साथ नीचे सर
और एक किताबी स्ट्रोक खेलते हुए बल्लेबाज तौफीक थोड़े संभल कर बल्लेबाजी कर रहे हैं। 7 गेंदों में 6 रन, 9 गेंदों में 23 रन मयंक। इसे मैं अच्छी रणनीति अच्छी बल्लेबाजी मानता हूँ कि फालतू में अपने विकेट को फेंकने से बेहतर है कि मैच को समझा जाए। फिर से बैक टू द बॉलर और मयंक नसीहत देने के लिए जा रहे हैं कि बिल्कुल खेलो लेकिन रोटेशन मत छोड़ना, सिंगल निकालने की कोशिश करो और भी ढीले हाथों से खेलने की सलाह दी होगी। और देखिए ये सलाह यहां पे काम आई, हालांकि बेशक एक ही रन मिले लेकिन मयंक के हाथों में स्ट्राइक आया है। 4-5 गेंदें हुई, 5 गेंदों में मात्र 1 रन, बहुत अच्छी सफलता मैं मानूंगा। आनंद आए हैं गेंदबाजी करने के लिए। 4th ओवर संपन्न होने में मात्र 1 गेंद शेष है, अगर इस गेंद में कुछ रन ही मिले 1 या 2 तो अच्छी सफलता मानी जाएगी टीम की। आनंद राइट आर्म ओवर द विकेट, शॉर्ट ऑफ लेंथ गेंद, पहले से कमिट हो चुके थे, सफल किया था खुद को, झुके और एक जॉकी बनते हुए गेंद को निकालना चाहा था, फाइनल एरिया में संगम हुआ नहीं। 4 ओवर 40 रन, 1 विकेट के नुकसान पर जमुई। 41 कल मैच खेले हम लोग और ये लोगों, इन लोगों का कल मैच था, एक कमाल है, युवाओं ने पानी को बाहर भी निकाला और इन लोगों ने मैच भी खेला कल JNKT स्टेडियम में, यहाँ जो बच्चे प्रैक्टिस करते हैं। और हमारे साथ स्कोरिंग में फिर से आज हैं वशिष्ठ और योगेश। छेड़खानी करने की कोशिश की, जहाँ तक छेड़खानी करने का प्रश्न तो कानून भी इसकी इजाज़त नहीं देता। अमन की गेंदों में धार है और एक परफेक्ट गेंदबाज की लैंग्वेज इनकी। ओह माय गॉड, यहाँ पे मौका बनता हुआ दिखाई पड़ रहा था लेकिन 30 यार्ड सर्किल का फायदा उठाने के माहिर बल्लेबाज सामने मयंक हैं। मयंक गए 12 गेंदों में 28 पर, जमुई 45, ओवर नंबर 5वीं, नुकसान विकेट का मात्र 1, तो हर मायने में जमुई की टीम थोड़ी आगे चल रही है। अच्छी शुरुआत, बल्ले को बहुत ही, आजकल के बल्लेबाज जोर से बल्ले को घुमाते हैं ताकि कहीं भी लगे ऊपरी हिस्सा चूमे तो छक्का हो जाता है, विकेट कीपर के पीछे छक्का, थर्ड मैन की दिशा में छक्का, अपर कट लेके छक्का। तो इतने शानदार बैट आने लगे हैं, डबल डबल ब्लेड वाले। हमारे ज़माने में ऐसे ब्लेड, मोटे ब्लेड वाले बल्ले आते नहीं थे, हमें जोर लगाना पड़ता था। ये देखिए कमाल, कमाल की बल्लेबाजी भाई, ये तो जादूगर है, ये बल्लेबाज नहीं है ये जादूगर है। हर तरफ शॉट खेलने का माहिर बल्लेबाज और बेखौफ खेल रहा है। बिल्कुल कदकाठी की अगर बातें करें तो अजिंक्य रहाणे से भी ये थोड़े से पतले और छोटे दिखाई पड़ रहे हैं, लेकिन देखिए क्या कमाल की बल्लेबाजी। लंबी चौड़ी कदकाठी मायने नहीं रखती क्रिकेट में, टाइमिंग मायने रखती है। अमन और यहाँ पे ये मौका था लेकिन मौका हाथों से छूट गया। मयंक का विकेट टपका दिया है आपने, ये कितना महंगा साबित होगा ये आने वाला वक्त बताएगा कि मयंक कितने साबित हुए, महंगे साबित हुए इस छूटे हुए कैच के साथ। जमी का 50 और इसी के साथ जमुई के 50 रन पूरे हो गए, 4.5 ओवर में 50 रन। मयंक 33,
बिल्कुल जड़ में मारी हुई गेंद यॉर्कर लेंथ की, ओवर की समाप्ति हुई और 5 ओवर 50 रन 1 विकेट के नुकसान पर जम हुई। ये जूम आउट करके मैं दिखा रहा हूँ खगड़िया शहर के बीचों बीच जे एन के टी जननायक कर्पूरी ठाकुर स्टेडियम है और सामने की दिशा में सड़कों पर आवाजाही है। NH 31 से एकमात्र रोड, और भी रोड है लेकिन एकमात्र अगर कहें मुख्य तो यही रोड है जाने के लिए अंदर, तो इस वजह से सिर्फ सामने वाले एंड की तरफ से बल्लेबाजी होती है। अगर कमेंट्री बॉक्स एंड की तरफ से भी बल्लेबाजी होती सामने से गेंदबाजी तो फिर राहगीरों को चोट लगने का अंदेशा होता। ये अच्छी सोच है, खेल भी हो और कोई घायल चोटिल ना हो। एक बार फिर से कलाइयां मुड़ी हैं और कपल ऑफ बाउंसेस, बॉल चली गई है मिड विकेट एरिया से बाहर 4 रनों के लिए। तो किसी भी मामले में, किसी भी मायने में किसी से कम नजर नहीं आ रहा है यह छोटे कद का बल्लेबाज मयंक। 16 गेंद 37 रन, जमुई 54, 1 विकेट के नुकसान पर। तौफिक मूक दर्शक बने हैं 7 पर। ये अच्छी गेंद, तो आपने हमेशा चर्चा करते देखा होगा आजकल के युवा कमेंटेटर्स में आकाश चोपड़ा को अच्छा माना जाता है, उनके साथ कभी कभी कपिल देव जब कमेंट्री करते हैं तो बताते हैं कि भाई जड़ में मारो, जड़ में मारो, यॉर्कर लेंथ की गेंदें हमारे भारतीय गेंदबाज कब फेंकना सीखेंगे। बहुत अच्छी गेंद मानी जाती है, परफेक्ट यॉर्कर। और बिल्कुल जी हाँ, इतनी ही जल्दीबाजी करने की जरूरत नहीं थी, अक्रॉस द लाइन चले आए थे, विकेटों के बीच में आप पकड़े गए, किंतु परंतु की कोई गुंजाइश नहीं, सीधी रहती हुई गेंद थी, आपने शफल किया खुद को ऑफ स्टंप पर और आप चले गए खेलने। थोड़े से अक्रॉस द लाइन हुए थे, थोड़े से फाइन लेग और स्क्वायर लेग की तरफ आप सफल कर चुके थे खुद को और एक बड़ा विकेट। बहुत अच्छी बल्लेबाजी कर रहे थे और लग रहा था कि आज पहली सेंचुरी दिखाई पड़ेगी। जहां तक पग बाधा का प्रश्न, तो कोई भी नेशनल इंटरनेशनल स्तर पर संतुष्ट नहीं होता। अच्छा निर्णय अंपायर का, कोई भी निर्णय सबसे नज़दीकी जो भी क्षेत्र रक्षक होते हैं, दर्शक होते हैं, वो होते हैं अंपायर, और वो मैच नहीं देखते हैं, उनका काम होता है परखना, निर्णय देना, और ये जो निर्णय आता है उसका सम्मान करना चाहिए क्रिकेटर्स को। और ये मैसेज नहीं दें आप बाहर की तरफ कि यार मैं आउट नहीं था, बिल्कुल इस तरह करके आप आगे की क्रिकेट में आप पे फिर स्क्रैच लग सकता है। ये अनुशासन, आप सचिन तेंदुलकर को देखें कितने अनुशासित और कितना नाम है उनका दुनिया में। आपने अच्छी बल्लेबाजी की लेकिन आप निर्णय का सम्मान करना सीखेंगे तो ज़्यादा आप नाम कमाएंगे। चलिए, दूसरे विकेट का पतन हुआ। अगर खगड़िया के भी कोई बल्लेबाज इस तरह से करते तो मैं इतनी ही नसीहत देता, इतनी ही बातें करता। न मैं खगड़िया का हूँ, न जमुई का हूँ, मैं तो बाहर से कमेंट्री करने आया हूँ। बस छोटे भाई की तरह मैं थोड़ी सी नसीहत अवश्य दूंगा आपको। प्रिंस आए हैं राजकुमार, और पिछले मैच में भी अच्छी बल्लेबाजी की थी। Under 19, Under 16 के दिख रहे हैं प्रिंस, जो इनके शरीर की बनावट है बिल्कुल खिंचा, जिसे बोलते हैं खिंचा यंग। क्या होने वाला है इस गेंद पर? मुझे कुछ लग रहा है कि बहुत अजूबा चीज होने वाला है। हाय, बिल्कुल ये खतरा तो मेरे दिल के किसी कोने में लग रहा था। यो भाई मयंक, आपने दिल जीत लिया, शानदार बल्लेबाजी की आपने, मक्खन बल्लेबाजी। ओ क्या बात, क्या बात, क्या बात रे बल्लेबाज, युवा बल्लेबाज, सैल्यूट है तुमको, लाजवाब। लो बैकलिफ्ट और फॉलो थ्रू पूरा करने के लिए हेलीकॉप्टर शॉट, वाह, छोटी सी हेलीकॉप्टर चली और दंदनाती विघिन साइड स्क्रीन के ठीक
बाईं तरफ, हमारे बाईं तरफ निकल गई चार रनों के लिए। स्कोर चला गया 58, 58 रन, 2 विकेट के नुकसान पर जमुई 5.5 ओवर की गेंदबाजी हुई। आनंद राइट आर्म ओवर द विकेट, बहुत ही अच्छी बल्लेबाजी, बिल्कुल एक युवा शक्ति से हम पुराने क्रिकेटर्स यही उम्मीद कर सकते हैं कि अपने विकेट के महत्व को समझें। ओवर संपन्न होता हुआ 5 ओवर, 58 रन, 2 विकेट के नुकसान पर नए बल्लेबाज आए हैं। प्रिंस तौफीक का कितना साथ निभाते हैं ये देखना दिलचस्प रहेगा। पावर प्ले का खेल संपन्न होता हुआ, पावर प्ले का खेल खत्म होता हुआ 58। ओ माय गॉड, बहुत ही ज़्यादा स्लो बॉल, डेड कर देते हैं गेंद को, लटका देते हैं हवा में। याद आ गया मुझे ये गोलू है, गोलू जमालपुर में इनका अच्छा परफॉर्मेंस रहा था। बल्लेबाजों को एफर्ट लगाने पड़ते हैं, शक्ति झोंकनी पड़ती है इनकी गेंदों पर रन बनाने के लिए, यानी छक्के लगाने के लिए। एक स्पिनर की गेंद पर आप क्या कल्पना करेंगे, अगर वो टॉस कराए तो छक्का। 6 और ये देखिए डेड बॉल, बिल्कुल गति की बातें करें तो 80 किलोमीटर भी नहीं, 70-75 किलोमीटर की रफ्तार होगी। 59 रन जमुई 7वीं ओवर, और लीजिए यहाँ पे क्लियर किया है बिल्कुल छक्का। मैं पहले ही बता रहा था कि गोलू की गेंद के लिए तो भाई आप छक्के के लिए ही जाएंगे, लेकिन कई दफ़े ऐसे में गोलू को मैंने विकेट लेते हुए भी देखा है। टाइमिंग परफेक्ट हो गई बल्लेबाज की, एक अच्छा छक्का निकला प्रिंस के बल्ले से। 5/10, 65/2 जमुई। वाह वाह वाह, छोटे छोटे कद के, छोटी छोटी उम्र के खिलाड़ियों का शानदार प्रदर्शन। ये भी हमारे ठीक कमेंट्री बॉक्स के बाईं तरफ बहुत दूर जाके गिरी है, स्टेडियम के बाहर, और गोलू महंगे साबित हो रहे हैं अब। 2 लगातार 6 प्रिंस के बल्ले से। मैंने इस पिच पर एक बात देखी है कि यहाँ पे भाई जिस भी गेंदबाज ने फ्लाइटेड गेंदबाजी की है खासे महंगे साबित हुए हैं, और जिसने फ्लिपर्स डाले, जिसने स्किट कराया गेंद को, जिसने तेज कराया है वो सफल हुआ है महंगे साबित होते हुए। 4 गेंदों में 13 रन आ गए। 2 छक्के मारने के बाद प्रिंस ने अपने स्नायु तंत्रों पर नियंत्रण रखा और गेंद को हल्के हाथों से खेला शॉर्ट बैकवर्ड पॉइंट की दिशा में। कोई रन नहीं, 71 रन। फिर से अच्छी शॉट, एक शॉट फाइन लेग दिशा में जाकर जब तक गेंद फील्ड के जाती क्षेत्ररक्षक द्वारा। ओवर खत्म 71 4 loss of 2 wickets after 7 overs जमुई। तो 7 ओवर्स में 71 और 20 ओवर्स के मुकाबले में किसी भी टीम के कप्तान का ये ख्वाब होता है कि हमारे विकेट्स कम गिरें और रन 10 के एवरेज को पार करते हुए आगे बढ़ता चला जाए। तो वो सब कुछ जितना भी घट रहा है जमुई के पक्ष में अब तक, अगर जमुई की टीम ने स्लॉक्स के ओवर में विकेट सेफ रखते हुए 220 रन बना लिए तो आज फिर थोड़ा सा टफ मुकाबला हो जाएगा, खासकर जेएनकेटी खगड़िया के लिए। नए गेंदबाज कुणाल, तो गेंदबाज नंबर 6 आए हैं वशिष्ठ। हाँ, 6 गेंदबाज। 8वीं ओवर फेंकी जा रही है और जेएनकेटी के कप्तान संदीप राज ने 6ठा गेंदबाज लगाया है विकेट के पीछे, बिल्कुल चिपके हुए संदीप।
अच्छी गेंदबाजी, अच्छी वापसी, लगातार जहां चौके छक्के निकल रहे थे, मात्र दो रन दिए हैं तीन गेंदों में। कुणाल की गेंद तौफिक के लिए, और यहां पे चकमे में डाला, गेंद काफी तेज रफ्तार से बाउंड्री लाइन के पार चली जा रही है, और आखिरी वक्त में ऐसा जब लगा कि गेंद पर एफर्ट ज़्यादा नहीं लगा रहे हैं गेंदबाज, और देखिए यहाँ पर जहाँ दो ही रन होने चाहिए थे वहाँ तीन रन हो गए। इन सब बातों पर आज के कल के युवाओं को ध्यान रखने की ज़रूरत होती है। 76 बाई के रूप में तीन रन जुड़े अभी। अच्छी गेंद, क्या बात है, बिल्कुल नेशनल इंटरनेशनल लेवल के कोई भी बल्लेबाज रहते तो इसी तरह से चौंकते, भाई ये क्या हो रहा है। तो कभी कभी धागा फंसता है मैट में और अनइवन बाउंसेस देखने को मिलते हैं, ऐसा ज़्यादा होता नहीं। वाह वाह, कमाल की वापसी जे एंड की खगड़िया के इस बल्ले गेंदबाज ने, क्या कमाल की गेंदबाजी के ओवर संपन्न होता हुआ एक और 8 ओवर 76 रन, 2 विकेट के नुकसान पर जमुई। अभी कुणाल ने अपने इस ओवर में वशिष्ठ कितने रन दिए, मात्र 5 रन, एक सफल ओवर। फिर से आए हैं गोलू, फिर से फ्लैटेड बॉल, किसी गेंदबाज के पास ज़्यादा वेरिएशन होते नहीं, एक ही किस्म की गेंद उन्हें डालने आती हैं, और गोलू सिर्फ फ्लाइट छोटी करके गेंद कर रहे हैं, ज़्यादा गेंद को टांग नहीं रहे हैं ऊपर हवा में। एक पक्षी ठीक आपके स्क्रीन पर भी दिखाई पड़ा होगा, ये फ्लैटेड बॉल, और यहाँ भी एक और अच्छी गेंद। पिछली 8 गेंदें बहुत अच्छी डाली गई हैं, पिछले 8 गेंदों में मात्र 6 रन निकले हैं, 3 वाइड 3 बाइके। ये देखिए क्या लगता है इस पर, बिल्कुल मैं इसी की बातें कर रहा था कि जब फ्लाइटेड गेंदें डाली गई हैं तो चौका या छक्का निकला है, और भैया जहां पे कैच या फील्डिंग होनी चाहिए वहां पे बच्चे थोड़े से डर जाते हैं। 81 प्रोजेक्टेड स्कोर, 190 का आंकड़ा क्रिक रियोज बता रहा है, और बैक फुट पंच, भाई बहुत ही अच्छी बल्लेबाजी, गेंद के आने का इंतज़ार किया, थोड़ी सी छोटी गेंद और इस खराब गेंद को वाइडिश लॉन्ग ऑन एरिया में उछालकर शानदार छक्का प्राप्त किया प्रिंस ने। प्रिंस पहुंचे 27 पर, जमुई 87 फॉर लॉस ऑफ 2 विकेट्स आफ्टर 8.4 प्रोजेक्टेड स्कोर, अब ठीक 200 का बताता हुआ cricketheroes.com। राहुल के आउट होने के बाद मयंक ने अच्छी बल्लेबाजी की, मयंक के बाद प्रिंस अच्छी बल्लेबाजी कर रहे हैं, कोई भी बल्लेबाज सहम कर बल्लेबाजी नहीं कर रहा है, तेज बल्लेबाजी, रफ्तार से कोई समझौता नहीं। लीजिए यहाँ पे एक और छक्का, एक और लंबा, बहुत ही दूर जाकर गेंद गिरी है। मैं बार बार कह रहा हूँ कि जब फ्लाइटेड गेंदें डाली गई है छोटे से ग्राउंड में, बल्लेबाजों ने खूब फायदा उठाया, जमकर फायदा उठाया, अच्छी बल्लेबाजी, एक चौका, फिर छक्का, लगातार 3 गेंदों में 16 रन, 17 रन अब तक खर्च कर चुके हैं इस ओवर में गोलू। 93 रन, 93 जमुई, और देखिए इस गेंद पर भी चाहते तो एक प्रहार कर सकते थे, डांसिंग डाउन द ट्रैक, लेकिन जैसे देखा कि 17 रन आ गए हैं, इस समझदार बल्लेबाज ने गेंद को वहीं पर डेड किया और ओवर की समाप्ति हुई। 9 ओवर 93 रन, 2 विकेट के नुकसान पर जमुई। संरक्षक यूथ फाउंडेशन के संजय खंडेलिया, और उन्हीं के क्या बात है, बहुत ही मक्खन शॉट,
बल्ले से जो आवाज़ आती है वो बहुत प्यारी आवाज़ आती है, मिडल ऑफ द बैट स्वीट स्पॉट से निकलता हुआ शॉट, लॉन्ग ऑफ एरिया में गई 94 रन, 10वें ओवर की शुरुआत। कुणाल और लीजिए यहाँ पर अंपायर के आउट देने से पहले बल्लेबाज चल चुके फ्रेंड्स, अच्छी बल्लेबाजी कर रहे थे और अपनी जाल में फंसाया कुणाल ने, शरीर से काफ़ी दूर गेंदबाजी कर रहे थे अब तक, और पिछली सारे चौके छक्कों का हिसाब इस कुणाल नाम के गेंदबाज ने ले लिया, बदला लिया गया यहाँ पर। और ये स्क्रीन पर देखिए कौन जा रहा है, प्रिंस, वन एंड ओनली वन राजकुमार, द प्रिंस द राजकुमार। और इसी के साथ ड्रिंक्स इंटरवल का वक्त 94 आफ्टर 9.2, 3 विकेट का नुकसान हुआ है जमुई, और ड्रिंक्स की ट्रॉली ग्राउंड से बाहर आती हुई। ये सारे क्रिकेटर्स हैं, खिलाड़ी हैं, जो मेहनत करते हैं, दिन रात की मेहनत करते हैं, सौरभ, योगेश, दीपक और दीपक। ओवर की 4 गेंदें अभी फेंकी जानी शेष, प्रिंस आउट हुए थे और उस वक्त ड्रिंक्स इंटरवल ले लिया गया। यही होता है जब भी कोई विकेट गिरते हैं तो अगले बल्लेबाज को कुछ गेंदों को सम्मान देना पड़ता है, मारने वाले गेंद को भी रोकना पड़ता है, और ये सही है। नए बल्लेबाज भी काफ़ी कम उम्र के, संदीप रावत, छोटे छोटे बच्चे, मुझे खुशी हो रही है जमुई की टीम को देखकर, इनकी अपनी टीम है, इनकी खुद की टीम और अंडर 19 की टीम, वाह, देखकर दिल खुश हो गया। जमुई वालों आप मुझे बहुत पसंद आ रहे हैं, और जितने भी बल्लेबाजों ने बल्लेबाजी किया है क्या खूब बल्लेबाजी की है। हालांकि अभी तक तौफीक को ज़्यादा मौके मिले नहीं हैं, एक छोर थाम के रखा उन्होंने, उस बच्चे ने 17 गेंदें बेशक खेली लेकिन छोर थाम के रखा है, मात्र 11 रन बनाए उन्होंने, 94 रन 10वें ओवर की आखिरी बॉल। और यहाँ पर जांचा पड़का जाने दिया विकेटकीपर संदीप राज, कप्तान के हाथों में, अच्छे कप्तान हैं, अच्छी बल्लेबाजी करते हैं, और अंडर 19 में इनका जलवा कौन था, जलवा बोला था बिहार चैंपियन खगड़िया अंडर 19 के, और कैप्टन संदीप राज, काफ़ी अच्छा परफॉर्मेंस संदीप का उस स्टेट लेवल मुकाबले में रहा था, पूरे मैच टूर्नामेंट में 7वें गेंदबाज। कभी कभी मुझे भी काफ़ी थकान के बावजूद मज़ा आने लगता है, क्रिकेट में कुछ ऐसे बातें घटती हैं जैसे कि जमुई की टीम का खेलना, एक बच्चों की टीम कितना अच्छा परफॉर्मेंस कर रही है, और ये दूसरी बात कि 7वां गेंदबाज ओवर नंबर 11 संदीप को काफ़ी नॉलेज, काफ़ी अनुभव आ चुका है, ऊंचे स्तर के क्रिकेट खेल रखी है संदीप ने, खगड़िया डिस्ट्रिक्ट को चैंपियन बनाया, बिहार चैंपियन, ये बड़ी उपलब्धि भाई संदीप, वाह। पहले मैच में हमारे साथ ऑनलाइन स्कोरिंग कर रहे थे और तब मुझे मालूम नहीं था कि इतना बड़ा बल्लेबाज मेरे साथ मौजूद है, क्या शॉट है, पुराने बल्लेबाज ग्राहम गूच, जियो बायकॉट, डेविड गोवर, और यहां तक संदीप के खाता खुलने का इंतजार, बाहर से खेलने की कोशिश की, 11वीं ओवर, रन रेट प्रोजेक्शन में थोड़ा घटता हुआ है 183, पहले 220 पर चला गया था प्रोजेक्टेड स्कोर, और अब प्रोजेक्शन 183 पर नज़र आता हुआ, 9.19 की रफ्तार अब भी बरकरार। कट शॉट, खड़े खड़े बैकफुट पर, अच्छा लग रहा है, किसी सीनियर बल्लेबाज की तरह बल्लेबाजी, इनके जो भी कोच होंगे भाई उन्हें सैल्यूट है, जिस तरह की आप ट्रेनिंग दे रहे हैं अपने बच्चों को, और शाम के वक्त यानी मैच खत्म होने के बाद मैं आपसे मिलना चाहूँगा।
बहुत अच्छा लग रहा है आपकी टीम को देखने के बाद मैनेजर साहब। ओ माय गॉड, किसी बात की मैं खूबसूरती की चर्चा कर रहा था, इन प्यारे प्यारे छोटे छोटे बच्चों ने तो बड़ों बड़ों के नाक में नकेल कस के रख दिया है। बहुत बड़े बड़े क्रिकेटर यहाँ पे आए, कुछ ने जलवा दिखाया, कुछ फेल हुए, कुछ खगड़िया के और कुछ पूर्णिया के जो आए थे खेलने के लिए सुपौल की तरफ से या किसी खगड़िया की टीम से, तो वो उनका जलवा नहीं चला। लेकिन इन छोटे बच्चों ने शायद एक मैसेज दिया है कि वक्त हमारा है, आने वाला कल हमारा है। 100 रन पूरे हो गए जमुई के, वाह क्या खूबसूरत शॉट है, क्या खूबसूरत, ओ माय गॉड, बहुत दिनों के बाद, वर्षों बाद ये फील्डिंग इस ग्राउंड पर मैंने देखी। ओवर थ्रो में बेशक एक रन ज़्यादा मिला, लेकिन जो तेज़ी थी गेंद में और जो ऑकवर्ड पोजीशन है फील्ड के, वहाँ पे सरकमस्टांसेस जो हैं तो थोड़ा सा अल्टर है। चौका बचाया लेकिन 2 रन लेने से रोक नहीं पाए बल्लेबाजों को। 8 रन अब तक डाले गए हैं इस ओवर में MJ मंडल के द्वारा, पिछले मुकाबले में अच्छी गेंदबाजी की थी मंडल ने। कट शॉट, क्या बात है, ऑन द राइज नहीं जा रहे हैं बल्लेबाज, कट शॉट खेल रहे हैं, खड़े रह के बैक फुट पर ओवर संपन्न। 11 ओवर 103 रन, 3 विकेट के नुकसान पर जमुई। जैसे ही देखा कि गेंद मिड और लेग की तरफ मूवमेंट कर रही है, अपने शरीर को एडजस्ट किया और स्क्वायर लेग दिशा में मोड़ कर एक रन लिया। मोहम्मद तौफीक 20, जमुई 104, 3 विकेट के नुकसान पर। 12वां ओवर कुणाल के द्वारा, गेंद हवा में और यहाँ पर फिर से एक मिसफील्डिंग हुई है और फिर से एक चौका निकल गया, चौका निकल गया था उस वक्त। पिछला मैच 3 रन से खगड़िया की टीम गंवाई और उससे एहसास कर सकते हैं आप कि वो छूटा हुआ एक या दो चौका, एक चौका ही मैच का नतीजा बदल कर रख दिया। 3-4 मिसफील्डिंग हुए थे खगड़िया की तरफ से, सामने वाली की टीम से भी छूटे थे चौके। हवा में क्षेत्ररक्षक हैं वहाँ पे क्या? जी नहीं, वहाँ पे ब्लाइंड पोजीशन में मैं हूँ। दर्शकों में माफ़ी चाहता हूँ आपसे, जो मेरी पोजीशन है, काफ़ी दर्शकों का कहना है कि एंगल कैमरा का आपका सही नहीं है, तो बैठने की जो जगह मेरी वो पेवेलियन के ठीक ऊपर है, साइड स्क्रीन के इर्द गिर्द कोई जगह नहीं, इस वजह से थोड़ा डायगनल है, बर्दाश्त कीजिए। और एक बात और कि कभी आपने चैनल 9 अगर देखा होगा, मैं 85 की बातें कर रहा हूँ, बेंसन एंड हेजेज के वक्त की बात, तो उस वक्त यही कौन रहता था, अंतर यही कि मैं दाहिनी तरफ हूँ और वो कौन बाईं तरफ होता था। अच्छी गेंदबाजी, बिल्कुल ऐसी गेंदों की चाहत कप्तान संदीप राज कर रहे होंगे। 12 ओवर 110 रन, 3 विकेट के नुकसान पर जमुई। यूथ फाउंडेशन के तत्वावधान में खेला जाता हुआ अशोक सहनी मेमोरियल क्रिकेट टूर्नामेंट का प्रथम सेमीफाइनल मुकाबला आप देख रहे हैं, जमुई वर्सेस JNKT खगड़िया। टॉस संदीप राज ने जीता खगड़िया टीम के कप्तान ने, और आमंत्रण दिया जमुई के बल्लेबाजों को कि आइए, आपका स्वागत है हमारे ग्राउंड पर, बैटिंग कीजिए आप। अच्छी बल्लेबाजी चल रही है, बहुत ही अच्छी बल्लेबाजी, क्लासिकल द क्लास, वाह। छह पर संदीप, तौफीक 22 पर। MJ मंडल शॉर्ट आर्म पुल करने की कोशिश। और एक बात मैं और बता देना चाहूँगा कि सारा दारोमदार देवराज ने अपने कंधों पर उठाया है,
और उन्होंने बताया मुझे कि 2011 में मैंने क्रिकेट खेलना छोड़ दिया। मैं उनसे बातें नहीं कर पाया कि भाई बिगड़ा क्या है जो आपने क्रिकेट खेलना छोड़ दिया। खेल संयोजक हैं, उनका एक ऑफिस पीछे, ऑफिस में सारे दस्तावेज, अंडर 19, अंडर 16, सीनियर, सारे क्रिकेटर्स पर नज़र रखना, रिपोर्ट देना, इस ग्राउंड की चौकसी और एकेडमी जितनी भी चलती है सबों को अपने साथ लेकर चलना, ये बहुत बड़ी बात, बहुत बड़ी उपलब्धि है। देवराज से मैंने पूछा आप कैसे कर लेते हैं, उनका बहुत खूबसूरत जवाब था कि बच्चे मेरा साथ देते हैं। वाह, आपके खगड़िया में मैं पहली दफ़ा आया और जो अनुशासित बच्चे हैं सब मुझे जब भी मिलते हैं सवेरे तो गुड मॉर्निंग गुड आफ्टरनून जब भी मैं अभी आता हूँ और सारे बच्चों को देखता हूँ, मैं मेहनत करते हैं, वो किसी को पत्तल उठाना है तो वो घबराते नहीं, किसी को पानी लाना है, ड्रिंक्स ट्रॉली ले जानी है तो बिल्कुल तैयार रहते। बहुत बहुत शुभकामनाएँ बच्चों आपको। बहुत दिन के बाद और यहाँ पे कैच के लिए तो कोई क्षेत्ररक्षक था नहीं नज़दीक में, और जो पीछे थे वो चौके रोकने के लिए थे लेकिन भाई चौका उनसे रुका नहीं, मिसफील्डिंग हो गई। जहाँ पे एक रन वहाँ चार रन, 116 12.5 ओवर। थोड़ी सी नीचे रह गई अपेक्षाकृत गेंदें, जब जब आपके उछाल के अनुसार नहीं आती हैं तो फिर पता चलता है कि भैया गेंदबाज बल्लेबाज गेंदबाज को देख रहा है या पिच को देख रहा है कि हुआ कैसे ही। 13 ओवर 117 रन और मात्र 3 विकेट ही गंवाए हैं जमुई ने। सबसे बड़ी बात कि 42 गेंदें जो बची हुई हैं उसे खेलने के लिए 7 बल्लेबाज तैयार हैं, यानी प्रत्येक गेंदबाज अगर एक एक ओवर भी खेलेगा तो भैया काम हो गया आपका। वाह, इन हुनरमंद बच्चे जमुई के। बहुत ही खूबसूरत शॉट, गेंद में कोई भी कमी नहीं थी, आनंद की बेहतरीन गेंद लेकिन बेहतरीन बल्लेबाजी भाई, फुल लेंथ गेंद थी, गेंद के पीछे आए और क्या ड्राइव किया, क्या कट किया या ड्राइव किया, क्योंकि विकेट की सीध में जब जब मैं नहीं होता हूं तो मुझे थोड़ा सा कमेंट्री करने में थोड़ी सी परेशानियां होती हैं। वाह, पंच जो कट के रूप में बैकवर्ड पॉइंट की दिशा में दंदनाती हुई बाउंड्री लाइन के पार चली गई, एक बेहतरीन चौका, कमाल है। 121 और यहाँ पे एक मौका संदीप राज के हाथों से निकलता हुआ, हाथों से गेंद छिटकी, काफ़ी आगे निकल आए थे फ्लिक के चक्कर में, ब्लाइंड पोजीशन पर संदीप, बल्लेबाज पूरी तरह उनके आंखों के सामने। जो शॉट इसके पहले खेलना चाहते थे इस हिसाब से ये गेंद आई थी मिडल और लेग की दिशा में, गेंद को फ्लिक किया और गेंद दंदनाती हुई सीमा रेखा के पार चली गई 4 रनों के लिए। एक और चौका निकला 125 फॉर लॉस ऑफ 3 विकेट्स आफ्टर 13.3 ओवर्स। मोहम्मद तौफीक 35, संदीप रावत 7, 18 रन 15 गेंदों में दिया है अब तक, अच्छी गेंदबाजी आनंद की। एक और डॉट, अब तक जितने गेंदबाजों ने गेंदबाजी की है पहले ओवर में खासा प्रभावित किया था अमन ने, और आनंद भी बहुत अच्छी गेंदबाज, मैं कहीं ना कहीं से गेंदबाजी आक्रमण में कमज़ोर देख रहा हूँ JNKT को, सेमीफाइनल खेल रहे थे आप, आपको गेंदबाजी थोड़ी सी आक्रमण मजबूत बनानी थी। क्या बल्लेबाजी है, थोड़े से भी उतावले दिखाई नहीं पड़ रहे हैं बच्चे जमुई के, छोटे छोटे बच्चों ने मेरा दिल जीत लिया है। इतनी अच्छे गेंदबाज गौतम से मात्र एक ओवर, बेशक 12 रन खर्च के कुछ भी नहीं होता है, वो वापसी करते
गौतम को क्यों अलग किया था, सफल कर चुके थे और बिल्कुल ये गेंद लेग स्टंप को छोड़ती हुई निकल जाती। मैं बार बार कह रहा हूँ कि अंपायरिंग का स्तर अच्छा है, चाहे मनोहर हो चाहे विनोद झा। 14 ओवर 125 रन 3 विकेट के नुकसान पर। योगेश तुम मंडल जी आए हैं और क्या करेंगे मंडल जी, ये देखना बड़ा दिलचस्प होगा। संदीप रावत रावत साहब के लिए मंडल जी, और राहत देने का काम नहीं किया रावत ने, एक रन लेकर स्ट्राइकिंग एंड पर तौफीक को बुला लिया। तौफीक एक स्पिनर हुआ करते थे 85 और 90 के दशक में पाकिस्तान से। अब्दुल कादिर के जाने के बाद मोहम्मद तौफीक भी काफ़ी दिनों तक उन्होंने गेंदबाजी की थी, अच्छी गेंदबाजी करते थे, और ये बल्लेबाज हैं तौफीक। 35, वाह, पहले तो इन्होंने मूड बनाया था कि भाई कहाँ थ्रो है, कहाँ थ्रो है, बचे। स्कूप करना चाहते थे, हॉकी में ये शॉट, हॉकी फुटबॉल रन आउट करने की कोशिश में कभी कभी आपने देखा होगा फलोत्र से गेंदबाज पैर से विकेटों की तरफ मारते हैं, जब डेड करके गेंद बल्लेबाज दौड़ते हैं, तो फुटबॉल स्कूप हॉकी में, तो वो स्कूप शॉट भी चलाया क्रिकेट में, फुटबॉल क्रिकेट हॉकी, बस अब वॉलीबॉल का खेल आना बाकी है क्रिकेट के अंदर, पता नहीं वो कब दिखाई पड़ेगा। कई रूल रेगुलेशन बदले हैं क्रिकेट में, फ्री हिट हमारे ज़माने में नहीं थी। बहुत ही दमदार शॉट है, मानो दीपावली में जब अब कोई आप एटम बम छोड़ते हैं, कोई पॉकेट वाला बम छोड़ते हैं, दुकानदार कहता है भैया ये वाला बड़ा कस के आवाज़ करता है, ले जाइए मात्र 5 रुपये का है। ये बल्लेबाज भी बिल्कुल छोटा सा दिखाई पड़ रहा, लेकिन धमाका बड़ा बड़ा है, छोटा पैक बड़ा धमाका। स्कोर चला गया 131। ओ माय गॉड, ये वन बाउंस, ऐसे कैचेज होते नहीं। एक रन अब तक ओवर अच्छा घटता हुआ एमजे मंडल का, 7 रन। 13 रन पर संदीप रावत, 36 पर मोहम्मद तौफीक, 132 पर 3। 15वीं ओवर फेंकी जाती हुई मंडल जी विकेट के करीब से, वाह बैक टू द बॉलर। यही बातें मुझे आजकल के बच्चों की बहुत पसंद आती है, बतौर एक कोच एक मेंटोर मैं भी हूँ अपनी टीम का, तो मुझे अच्छा लगता है कि चौके छक्के निकल रहे हैं, मेंटेन आपने कर रखा है, विकेट को ना फेंकें, क्या पता आपके 3-4 विकेट आपके जाने के बाद तुरंत गिर जाए, मोमेंटम चेंज हो जाता है। इस बार तौफीक समझ नहीं पाए गेंद को, खेलना चाहते थे लेग साइड में। 15 ओवर 132 रन 3 विकेट के नुकसान पर जमुई। वाह देखिए ये शॉट, स्वागत किया गौतम का पहली गेंद पर, फाइनली गेरिया में एक खूबसूरत चौका निकलता हुआ। संदीप पहुंचे 17 पर, मोहम्मद तौफीक 36, और 136 का स्कोर है जमुई 3 विकेट के नुकसान पर। सारी जगहों पर 3-6, 136 3 विकेट के नुकसान पर, मोहम्मद तौफीक 36 रन 36 गेंदों में। वाह, 7 गेंदों में गौतम दे चुके हैं कुल 16 रन। काफ़ी देर के बाद आए गौतम, और ये लंबा शॉट है ह्यूस मैमोथ, और गेंद गई जननायक कर्पूरी इंटर विद्यालय के अहाते के अंदर, और लोग दौड़ रहे हैं, सदस्य दौड़ रहे हैं गेंद को लाने के लिए। मौसम देखिए, मौसम बादल, और बादलों के बीच झांकते हुए सूर्य देवता अपना आशीर्वाद देते हुए, अपने आशीर्वाद दे रहे हैं आयोजन कमेटी को, संजय खंडेलिया को, देवराज को, कि आपका आयोजन बड़ा लाजवाब है। 9 बॉल, और लीजिए 9 बॉल के बाद एक और इशारा फ्री हिट का, कितना फ़ायदा उठाएंगे बल्लेबाज। तौफीक के पास मौका फ्री हिट का फ़ायदा उठाने का, लेकिन डॉट
ग्यारह रन, एक नौ बॉल, 12 रन, 9 गेंदों में 24 रन खर्च कर चुके हैं अब तक। दूसरी ओवर फेंक रहे हैं गौतम। अरे गौतम की गेंद को दिशा दिखाई गली एरिया में, तौफीक पहुंचे 37 पर। टीम जमुई 145, 3 ही विकेट का पतन हुआ है। प्रोजेक्टेड स्कोर 185 पर ठहरा हुआ। स्लॉक्स का ओवर चलता हुआ, बच्चे क्या करेंगे। डॉट बॉल पिछले कुछ गेंदों में मार खाने के बाद गौतम अब गोविंदा बन गए हैं। 3 गेंदों में 3 रन, अगली 145 जमुई। गौतम राइट आर्म ओवर द विकेट, अंपायर को पार करते हुए ये गेंद, और देखिए यहाँ पर गौतम की गेंद को लॉलीपॉप बनाते हुए हवा में उछाला है, और इसी के साथ जमुई टीम के 150 रन पूरे हुए। जमुई 151, क्या शानदार छक्का निकला है। अभी अभी कुणाल अपने कोटे की आखिरी ओवर लेकर आए हैं। 3 ओवर में 10 रन ही दिए थे। बहुत अच्छी गेंदबाजी की कुणाल ने। लगातार अच्छी गेंदबाजी कुणाल की। वाइड 152 जमुई, 3 विकेट का नुकसान हुआ अब तक, और अच्छी साझेदारी इन दोनों बल्लेबाजों की हुई है। लाजवाब अर्धशतकीय साझेदारी। मयंक के आउट होने के बाद इन दोनों बल्लेबाजों ने अपनी जिम्मेवारियां समझी हैं। बहुत ही खूबसूरती से गेंद को टर्न किया, और जब तक मिड ऑन एरिया में गेंद फील्ड की जाती, 1 रन आउट। ये छक्का, जब जब गेंदबाजों ने फ्लाइट दी है गेंद में, 90% इस स्टेडियम में गेंद बाहर गई है। इन बातों को गेंदबाज समझने के बावजूद क्यों ऐसी गेंदबाजी करते हैं, मुझे ये बातें समझ में नहीं आती। छोटी सी ग्राउंड है और इसका बहुत ज़्यादा फायदा आप देते हैं जब जब गेंद को टॉस कराने की कोशिश आप करते हैं। अच्छी गेंदबाजी अब तक चल रही थी, इस छक्के के बावजूद देखिए 3.4 ओवर में मात्र 18 रन अब तक खर्च किए हैं कुणाल ने। बेहद ही किफायती गेंदबाजी। फिर से फ्लाइटेड बॉल, और यहाँ पे उछाला है, गेंद चली गई है एक्स्ट्रा कवर की दिशा में, 1 बाउंस 4। आखिर में महंगे इस ओवर में साबित हो गए। जितने रन इन्होंने पिछले 3 ओवर में दिए थे, अपने आखिरी ओवर में उतने रन, उससे ज़्यादा रन दे चुके हैं। 22 रन अब तक इस ओवर में, कुल 11 रन, 12 रन, एक वाइड भी गेंद डाली गई थी। तो ओवर नंबर 17 हैज बीन कंप्लीटेड नाउ, स्कोर 163-43 आफ्टर 17 ओवर्स। अमन बहुत ही अच्छी गेंदबाजी, रिदमिक हैं, लंबा रनअप 20 कदमों का। राइट आर्म ओवर द विकेट, और यहाँ पे फील्डिंग तो अच्छी हुई है, 1 रन लिया है, दूसरा रन लेना चाहते हैं, लेकिन वापस किया संदीप ने। संदीप 40 पर, तौफीक 39 पर। तौफीक शुरू में कुछ धीमे थे, जब मयंक की बल्लेबाजी, मयंक की ना, मयंक की बल्लेबाजी हो रही थी तो साथ निभा रहे थे। 12 गेंदों में 7 रन था शुरू में। अब देखिए तौफीक 39, 40 पे संदीप रावत। ओह क्या शॉट है, क्या शॉट है, क्या शॉट, ओ माय गॉड, मानो किसी ने गाल पे कस के एक चपत रसीद दी हो। जपाता जपाटा शॉट, शानदार। इन बच्चों ने दिल जीत लिया आज मेरा। काफ़ी दिन के बाद
मैं बच्चों को डांट नहीं रहा हूं, नहीं तो काफी मैं माइक्रोफोन पर डांटता हुआ नजर आता हूं। कमाल की बल्लेबाजी। और एक बार फिर से गेंद को दिशा दिखाई गई है, मैं बिल्कुल ब्लाइंड एरिया में हूं, मेरा मूवमेंट उस तरफ है नहीं, इस वजह से मैं उसे शूट नहीं कर पा रहा हूं। एक और चौका, लगातार दो चौके निकले अमन की गेंदों पर, 2.3 ओवर 27 रन, कोई सफलता नहीं। एक अच्छे गेंदबाज के रूप में जाने जाते हैं खगड़िया क्षेत्र में अमन, लेकिन अच्छी पिटाई हुई है, 15 गेंदों में 27 रन दे चुके हैं, 172 रन जमुई, 3 ही विकेट गिरे हैं। एक शॉट क्षेत्र रक्षक के सीधे हाथों में, और काफी देर के बाद एक विकेट तभी अभी गिरा है। विद्युत व्यवधान के वजह से हम आपसे जुड़े हुए नहीं थे, और मैं स्कोर बतलाना चाहूँगा, 172 चार विकेट के नुकसान पर संदीप 48 रन बनाकर वापस पवेलियन गए हैं। बहुत ही अच्छी बल्लेबाजी संदीप और तौफीक की। नाम युवराज और शरीर भी बिल्कुल युवराज सिंह की तरह। वाह, हट्टे कट्टे मजबूत कदकाठी के युवराज दिखाई पड़ रहे हैं। बिल्कुल उनके अपोजिट जो बल्लेबाज है, लगता है युवराज उनके हिस्से का खाना खा जाते हैं। 78 रनों की भागीदारी तौफीक और संदीप के रावत के बीच में हुई थी। बहुत अच्छी बल्लेबाजी। ओवर एक और निकलता हुआ, 174 18 ओवर संपन्न हुए हैं। योगेश और वशिष्ठ हमारे साथ कमेंट्री बॉक्स में। बताओ, स्कोरर हमें काफी सहयोग कर रहे हैं। बारह गेंदे शेष, अब ये देखना बड़ा ही मज़ेदार होगा कि क्या जमुई की टीम के कप्तान ने हमसे बातें की थी कि 200 और 220 का लक्ष्य हम रखेंगे खगड़िया के सामने। 26 रन उससे दूर है अभी। कोई भी बल्लेबाज रुकेगा नहीं, सभी छक्के मारेगा, सभी चौके उछालेगा, छक्के मारेगा। आते के साथ स्वागत एक बार फिर से। ये डर नहीं कि अभी अभी हमारा एक बल्लेबाज आउट हुआ है। तौफीक पूरी तरह से जमकर मुस्तैदी से बल्लेबाजी कर रहे हैं। 180 जमुई, 18.1 ओवर की गेंदबाजी हुई है। पहली पारी की कुछ गेंदें शेष है, आनंद लीजिए। बिल्कुल एक सुलझे हुए बल्लेबाज की तरह खुद को सफल किया ऑफ स्टंप पर, और गेंद को मोड़ दिया फाइन लेग की दिशा में। इसी के साथ तौफीक का एक शानदार पचासा JNKT स्टेडियम में खुशियां तैर गईं। तौफीक का ये शानदार अर्धशतक ये मैसेज देता हुआ बड़े बड़े क्रिकेटर्स को कि भैया मैंने आपसे ही बातें सीखी, और लीजिए मैंने 50 लगाया, मुझे आशीर्वाद दीजिए आप। मैं तो बस इतनी ही बातें जानता हूं, और यहां पे तौफीक क्या आउट हो जाएंगे, और दोनों ही छोर पर आउट होने का खतरा। और क्रिकेट में ऐसी बातें सबों के चेहरे पे एक मुस्कान, प्यारी सी मुस्कान लाने का काम करती है। हम सब भी मुस्कुरा रहे हैं। न युवराज आउट, न तौफीक, दोनों के आउट होने का खतरा मंडराया था। गेंद एक ही थी, 184। तौफीक मंडल जी के सामने, और मंडल जी की गेंद, बिल्कुल क्षेत्र रक्षक मौजूद हैं, और यहां पे रोहन के सुरक्षित हाथों में गेंद आई। और अभी रोहन ही तो मुझे जाने लाने जा सहयोग रहता है मेरे साथ।
और बड़े अच्छे इंसान है बहुत। हाँ ये देखिए रोहन देख रहे हैं ऊपर, बिल्कुल रोहन बहुत बहुत धन्यवाद। एक बार मेरी तरफ देखिए आप, हाँ मुझे आप अशोका होटल से लाते हैं प्रत्येक दिन और टाइम पे पहुँचते हैं, पंक्चुअल। एक दिन मैं देवराज जी से इंटरव्यू लूँगा अपने यूट्यूब चैनल के लिए, मुझे बड़े अच्छे लगे बहुत। हमेशा फ़ोन करके पूछते हैं भैया खाना पहुँचा, भैया चाय, भैया दूध, भैया क्या फलना चिलना ढेकना सब चीज़ मिलता है। ये क्या हुआ समझ नहीं पाए संदीप, और काफ़ी देर के बाद थोड़े दुखी होंगे संदीप, चूँकि मैं भी एक विकेट कीपर हूँ। कई दफ़े हम सबों के हाथ से सीधी जो कैच आती है वो टपकी है अचानक, और हमने दूर वाले कैच छलांग मारकर पकड़े हैं। आखिरी ओवर 188 12 रन दूर, 200 के एक जादुई, एक ऐसा अंक होता है जिससे सामने वाली टीम थोड़ी सी पस्त होती हुई नज़र आती है कि भाई 200 रन बन गए सामने वाली टीम के। तो लक्ष्य बल्लेबाजों का ये होगा कि 12 रन बनाए पहले, और शुरुआत से ही छक्के लगाने की कोशिश होगी, कुछ भी नहीं नज़र आएगा। 6 विकेट हाथों में शेष, 6 गेंदें 6 विकेट हाथों में शेष। एक बहुत ही खूबसूरत बात हुई, 5 विकेट हाथों में शेष, बहुत ही खूबसूरत बात हुई कि जमुई के बल्लेबाजों ने अनावश्यक विकेट नहीं फेंका है, अपना विकेट नहीं फेंका है, विकेट उन्होंने गंवाए हैं। वाह आनंद। आखिरी ओवर पहली गेंद ऊपर बुलाया है संदीप को, पहली डॉट गेंद, 3.1 ओवर 18 रन 1 विकेट आनंद। और दोनों ही बल्लेबाज माने तो नए हैं, युवराज 1 रन, सौरभ का खाता खुलना बाकी। आनंद युवराज के लिए, और यहां पे अंततः आनंद को एक और सफलता मिली, 6 विकेट गिरता हुआ जमुई टीम का। 188.46 आफ्टर 19.2 ओवर्स। आनंद के पास मौका है, बल्लेबाजों के पास भी मौका है बेखौफ खेलने का, 12 रन दूर 200 रन से, और आनंद अब सफलता के लिए दौड़ लगा रहे हैं। लीजिए ये गेंद भी हवा में, लेकिन नो मैन्स लैंड में गेंद गिरती हुई, 1 रन लिया है और दूसरे रन को भी पूरा कर लेंगे, 2 रन लिया है, 3रा रन नहीं होगा। तो नए बल्लेबाज के रूप में अफजल है ग्राउंड पे, 3 गेंदे शेष। अंपायर विनोद झा ने अपना सर हिलाया, कहा जी नहीं नॉट आउट, बल्लेबाज क्रीज के अंदर हैं। एक ही रन से संतोष करना पड़ेगा, सामने मौजूद हैं बड़े हाँ फुर्तीले क्रिकेटर रोहन। आखिरी बॉल, तो ये ओवर बड़ा शानदार घटा है, अब तक मात्र 3 ही रन दिए हैं आनंद ने, 3.5 ओवर 21 रन 2 विकेट। आखिरी बार दौड़ेंगे इस पहली इनिंग में, अगर वाइड नो बॉल नहीं हुई तो लास्ट बॉल, और यहाँ पर डॉट के साथ 191 रन पर पारी संपन्न हुई। तो ये बताते हुए कि 191 रन बनाए हैं जमुई की टीम ने 6 विकेट के नुकसान पर, तौफीक का शानदार अर्धशतक रहा, मयंक ने शानदार 48 या 45 रन बनाए, मुझे याद नहीं मयंक ने कितने बनाए मैं बता देना चाहूँगा, परफेक्ट मुझे याद है कि 48 रन बनाए थे। इस सूचना के साथ कि जे एंड के टी खगड़िया को जीतने के लिए कुल 192 रन बनाने हैं 120 गेंदों में, मैं पीएन शेखर अपने सहयोगी वशिष्ठ और योगेश के साथ आपको आकाशवाणी और स्टूडियो वापस ले चलता हूँ। ये मैच समरी है आप देखें। बहुत बहुत शुक्रिया, ब्रेक पर मैं जा रहा हूँ, उसके बाद फिर से हाजिर हो जाऊँगा, तब तक के लिए नमस्कार बाय। भैया एक बार फिर से लंच ब्रेक के बाद
मैं आप सभी क्रिकेट प्रेमियों के समक्ष उपस्थित हूँ। मैं हूँ पीएन शेखर और आप देख रहे हैं यूथ फेडरेशन संयोजक संजय खंडेलिया और खेल संयोजक देवराज और उनकी पूरी कमेटी के साथ खेला जाने वाला अशोक सहनी मेमोरियल क्रिकेट टूर्नामेंट का प्रथम सेमीफाइनल। दो अंपायर्स हमारे तरफ इशारे कर रहे हैं कि अब चलिए आप सभी तैयार हो जाएं। प्रथम पावर का खेल चल रहा है, 6 ओवर्स 20 ओवर्स में प्रथम पावर में चलते हैं। उद्घाटक जोड़ी रोहन कुणाल श्रीवास्तव ओवर द विकेट और यहां पे क्या कर रहे थे बल्लेबाज, एक बहुत बड़ा झटका लग जाता है। अभी नॉन स्ट्राइकिंग एंड पर खड़े बल्लेबाज रोहन दौड़ लगा चुके थे, माफ करेंगे पुनः दौड़ लगा चुके थे। रोहन को बातें समझ में नहीं आई और विकेट की तरफ अगर गेंद जल्द से लग जाने के खतरा हो सकता था। पहली गेंद एक 192 रन बनाने हैं, पहली गेंद पर खाता खुलता हुआ। अच्छी गेंदबाजी, लेबर गेंदबाजी, जहां तक जे एंड के की तरफ से तो अमन ने पहले ओवर में खासा प्रभावित किया, बेशक उनकी गेंदों में शॉट्स लगे। आनंद ने लाजवाब गेंदबाजी की, अपने पूरी स्पेल में कम रन खर्च के 22 रन दिए थे 4 ओवर्स में, 2 सफलताएं भी ली थी। और ये विशाल भी बहुत अच्छी गेंदबाजी कर रहे हैं। बदल और क्या खूबसूरत ड्राइव है, मानो सुई से धागा भी हुआ है, खूबसूरत स्टाइल्स बल्लेबाज। उन्होंने 4 ओवर की गेंदबाजी भी की थी, वशिष्ठ बना रहे हैं और 22 रन लेकर 1 विकेट भी प्राप्त किया था। वाह, अच्छी जानकारी उपलब्ध करवाने के लिए वशिष्ठ और योगेश आपका बहुत बहुत धन्यवाद। पुरुषोत्तम जी बैठे हुए हैं यूथ फेडरेशन के और के ठीक बगल में आप देख रहे हैं संयोजक देवराज खेल संयोजक खगड़िया के। और यहां पर लीजिए डंडा गिरा, आज के मैच में बोल्ड तो होते हुए मैंने नहीं देखा है किसी बल्लेबाज को जहां तक मुझे याद है। और ये पहली बोल्ड, पहले विकेट का पतन होता हुआ कुणाल के रूप में वापस डलने ला रहे हैं। ओहो, कमजोर शुरुआत जे एंड के खगड़िया की। नए बल्लेबाज बोलू जो गेंदबाजी कर रहे थे, गेंदों को टॉस करा रहे थे, बल्लेबाज को कुछ शक्ने में भी डाला और एक बड़ी जिम्मेवारी उनके कंधों पर होगी कि अच्छी बल्लेबाजी करें और अपनी टीम को अच्छे मुकाम तक पहुंचा के। तो खगड़िया के लिए कोई अच्छी खबर नहीं है, जे एंड के टी के लिए उनका पहला विकेट अभी अभी आउट हुआ है। कुणाल वापस तो ले नहीं आए, कुछ ज्यादा योगदान उनका रहा नहीं। एक शानदार चौका निकाला था उन्होंने चक्रवर्ती निशा में। अच्छी बल्लेबाजी, गेंद के आने का इंतजार किया गुरु ने गेंदबाज विशाल श्रीवास्तव, जो देर से दर्शक आए या जो इस मैच का रवा तबसला देख रहे हैं सुन रहे हैं मेरे मोबाइल पर, उन्हें भी बता दूं कि टॉस जे एंड के टी खगड़िया टीम के कप्तान अंडर-19 कैप्टन बिहार के चैंपियन खगड़िया संदीप राज ने जीता और बल्लेबाजी सौंपी थी चमोली। क्या लाजवाब बल्लेबाजी है चमोली, 191 रन बनाए उनके बच्चों ने, छोटे छोटे खिलाड़ी बिल्कुल सही कर रहे हैं बल्लेबाज।
जाके पड़कें और फिर अपने कंधे खोलें। एक ओवर 5 रन एक विकेट के नुकसान पर जैन खेती खगड़ी। अब यहां से 114 गेंदों में 187 रन बनाने हैं, रिक्वायर्ड रन रेट 9.84। कहाँ चली जा रही है तेजी से, साइड स्क्रीन को टकराती हुई, चौके का इशारा अंपायर मनोहर का। मस्ट विकेट को ऐसे चौकों की आवश्यकता पड़ेगी। आप एक बड़ी लड़ाई लड़ रहे हैं, कोई भी टीम जीतेगी तो फाइनल का टिकट कटा लेगी, टीम फाइनल में प्रवेश करेगी। कल दूसरा मुकाबला सुपौल वर्सेस बेगूसराय का खेला जाएगा और आज जो भी टीम जीतेगी कल वाले विजेता से परसों टकराएगी। बड़े ही आबादी से जो कमेटी के सदस्य छोटे छोटे बच्चे बहुत होशियारी से चारों तरफ हैं, लेकिन कभी कभी उनकी भी नजरें हैं। वही सबसे बड़ी वजह की जो जिन्होंने मुझे बुलाया, देवराज मेरी खबर लेते हैं, संजय जी से भी कल बातचीत हुई उनके अड्डे पर, संयोजक है हमारी यूथ फेडरेशन के संजय खंडेली, हम तो पुरुषोत्तम जी भी आए हुए हैं पूरे मैच के दौरान मौजूद रहेंगे। आज गेंदबाज और बल्लेबाज दोनों के लिए बहुत अच्छी पिच, बहुत ज्यादा फ्लाइटेड बॉल लेकिन उतनी ही ज्यादा बाहर। अंपायर का इशारा वाइड का, दो अंपायर से, अंपायर का काम बड़ा कठिन होता है, दिन भर खड़े रहो इशारे दो। बीसीए पैनल के हैं, एक जो स्क्रीन पर दिखाई पड़ रहे हैं मनोहर जी और दूसरे हैं विनोद झा साहब, ये कहां गए, हाँ ये स्क्वायर लेग पर। साहब बहुत मेहनत होती है अंपायरिंग में, फ्लाइटेड बॉल और ये गेंद ग्राउंड के अंदर ही रहने वाली है जी बिल्कुल, और यहां पर दूसरे विकेट का पतन हो गया। मैं इसी बात की चर्चा कर रहा था कि हाथों में विकेट होने चाहिए और भड़बड़ाहट बिल्कुल नहीं, क्योंकि जब रन बनने शुरू हो जाते हैं तो रन फिर रुकते नहीं। तो ये देखिए रोहन वापस पवेलियन लौट रहे हैं और संदीप टीम के कप्तान से बहुत सारी उम्मीदें हैं। पहले मैच के मैन ऑफ द मैच संदीप राज शानदार अर्धशतकीय पारी खेली थी और अपनी टीम को लाजवाब तरीके से सेमीफाइनल का दरवाजा खोलते हुए बिठाया सेमीफाइनल के अंदर, लेकिन यहां पर उनकी टीम अब थोड़ी सी संकट में फंसी हुई, दो विकेट 10 भी गिर गए। जमुई की टीम 3 विकेट कितने दूर तक ले गई थी, 150 का आंकड़ा भी 3 विकेट पर पार कर लिया था उन्होंने। तो खैर क्रिकेट में ये सब बात माने नहीं रखती, कोई अच्छी साझेदारी हो गई तो फिर भाई बल्ले बल्ले आपके। शुभम सिंह राजपूत दूर से खेली गई शॉट, क्या गगन 2 विकेट के नुकसान पर और दूसरी ओवर कंप्लीट, विशाल श्रीवास्तव। बहुत खूबसूरत शॉट, क्या बल्ले से आवाज आई थी, जब जब स्विच स्पॉट यानी मिड ऑफ द बैट गेंद आती है तो फिर भाई मजा आ जाता है। बेशक रन नहीं मिले लेकिन इस शॉट से बल्लेबाज का मनोबल बढ़ रहा होगा। संदीप राज ने इस छोटी गेंद थोड़ी सी शॉर्ट ऑफ लेंथ थी, बैक फुट पर गए थे, कट करना चाहा, गेंद और बल्ले का संगम नहीं हो पाया। एक स्लिप लगा रखी अपने लिए विशाल श्रीवास्तव ने,
टी20 के मुकाबले में स्लिप क्षेत्र अक्सर खाली रहते हैं। स्लिप गली, बैकवर्ड पॉइंट, कवर, मिड ऑफ, मिड ऑन, शॉर्ट लेग और घेरे के बाहर दो खिलाड़ी, एक बैकवर्ड पॉइंट और एक खिलाड़ी नजर नहीं आ रहा, उधर अच्छे स्क्वायर लेग। ऐसी मिसअंडरस्टैंडिंग से बचना होगा और इस विकेट को एक बड़ी साझेदारी की तरफ देखने की आवश्यकता भी बन रही है। यहां पर 12 रन में आपने दो विकेट गंवा दिए हैं, एक बड़ा दारोमदार, और ऐसे में लीडरशिप का रोल निभाना चाहेंगे, एंकर रोल निभाना चाहेंगे संदीप राज। बल्लेबाजी की थी जम्मू के छोटे छोटे बच्चों ने, मैं सुबह से ही बोल रहा हूं कि भाई जीत जीत लिया, काफी दिन के बाद मैंने ऐसा खेल देखा है। कितना खूबसूरत शॉट, छक्के के लिए ले गए बच्चे जम्मू के, सभी नहीं शॉट ज्यादातर अक्रॉस द लाइन नहीं आए, और गेंदबाजी के लाजवाब निशान श्रीवास्तव। बहुत अच्छी बल्लेबाजी, बिल्कुल सही कर रहे हैं। ऐसे वक्त में आपको अब रिस्क नहीं लेना होगा, कुछ ओवर्स मेडन भी चले जाए, एक रन या दो रन वाले ओवर भी जाए तो बिल्कुल घबराने की जरूरत नहीं। एक लक्ष्य की तरफ अगर आपको देखना है तो धैर्य की पुंजी आपके लिए पुंजी का काम करेगा। बहुत अच्छा, लगातार दो विकेट आपके गए खामोशी से, ये ओवर पूरा हुआ, मात्र एक रन खर्च किया इसमें विशाल श्रीवास्तव ने, 12 रन पर स्कोर, 3 ओवर, 2 विकेट के नुकसान। जी इनके लिए खगड़ी सिंह द किंग शुभम सिंह राजपूत, संदीप राज के लिए। बल्लेबाजी एक्शन बहुत ही खूबसूरत है संदीप राज का, और मैं बार बार कह रहा हूं कि संदीप ने जो पहले मैच में बल्लेबाजी की थी भाई दिल जीत लिया। मैं तो खुलकर कहूंगा कि खगड़िया के बड़े बड़े दिग्गजों को उन्होंने बताया कि भाई देखिए भैया मैंने आप ही से सीखा है, धैर्य है मेरे पास। वाह कमाल शॉट, टूर्नामेंट का सबसे लंबा छक्का निकलता हुआ, विश्व के किसी भी स्टेडियम में यह छक्का जाता, विश्व के सिर्फ इंडिया ही नहीं, लगभग 80 मीटर से भी ज्यादा की दूरी, 85 मीटर हमारे सहयोगी कह रहे हैं कि 90 से ऊपर का ये लंबा सिक्स निकला है संदीप के बल्ले से, और यहां पे क्या बात है, टीम लगातार गेंदों ने जवाब देते हुए संदीप जमुई के बल्लेबाजों को कि देखिए बेशक आप अच्छी बल्लेबाजी करते हो लेकिन हमने भी अच्छी क्रिकेट खेली है, खगड़िया को चैंपियन बनाया है, बिहार चैंपियन, और उसके नायक रहे हैं, नायक रहे हैं, अपने नेतृत्व कुशलता के लिए जाने जाते हैं संदीप राज, पूरे बिहार में इनका नाम। वाह दूर से खींचा था, हटियार सर्किल का फायदा उठाना चाहते हैं, लेकिन एक क्षेत्र रक्षक में दो हैं, एक वाइडिश लॉन्ग ऑन और एक लॉन्ग ऑन, या कह लीजिए कि उसे मिड विकेट बना देते हैं हम वाइडिश वाले को। और लीजिए संदीप यहां पे कितने अनुशासन वाले खिलाड़ी हैं, अंपायर के इशारे का इंतजार नहीं किया और चल पड़े, बिल्कुल सन्नाटा पसर गया डगआउट में,
एक बड़ा बल्लेबाज जिनसे काफी उम्मीदें थी, खुद मुझे, मैं खुल के कहता हूं खुद मुझे, क्योंकि जमुई के क्रिकेटर की भी मैंने काफी प्रशंसा की, लेकिन ये बल्लेबाज मुझे कुछ अलग लगता है। इनकी बॉडी लैंग्वेज देखिए, चाल देखिए, इनके चेहरे को देखिए, इनके क्रिकेट को देखिए, बहुत खूबसूरत आने वाला भविष्य इनका है। खगड़िया से अगर देवराज हुए एक जमाने में, बिहार क्रिकेट खेली इन्होंने, सीनियर क्रिकेट खेली है अंडर 19 अंडर 16, तो आने वाले वक्त में अगर विश्वजीत गोपाला भी अच्छा खेल रहा है, एक विश्वप्रिय है, हाँ विश्वप्रिय, तो मुझे लगता है संदीप राज भी आने वाले वक्त में जूनियर टीम में बहुत अच्छा नाम होंगे। खैर ये अब मैच मैं कह सकता हूं कि पूरी तरह से झुकता हुआ, थोड़ा सा झुका है जमुई की तरफ, ज्यादा नहीं झुका है, थोड़ा ही झुका है। मैं बार बार कह रहा हूं, कई मैचेज हमने देखे हैं, शतकीय साझेदारी हुई पहले विकेट के लिए और आखिरी के 9 बल्लेबाज एक विकेट गिरा 120 पर, 130 135 पर पूरी टीम पैक हो जाती है। तो ये क्रिकेट का जवाब रोमांच है, हम कभी नहीं मानेंगे कि 26 पर 3 है, खगड़िया तो बैकफुट पर, जी नहीं, 50-50 अब भी, वो एक बल्लेबाज पकड़ लेगा मैच को तो जीतने के काफी चांसेस बन जाएंगे, मुश्किलें बढ़ेंगी। सिंह दत्ती एक बड़ा विकेट इनके खाते में चढ़ गया, बेशक 20 रन दिए अपने 2 ओवर में, लेकिन संदीप राज का विकेट लेकर ये हॉल ऑफ 5 में मानूंगा, संदीप का विकेट मानो 5 विकेट मिल गए गेंदबाज को, बहुत ही अच्छा चल रहा था अब तक खेल। 4 ओवर 26 रन 3 विकेट का नुकसान हुआ है जे एन के डी खगड़िया, थोड़ी सी बैक बोली राहुल आए हैं गेंदबाजी करने के लिए। आज के मुकाबले में राहुल कुछ खास नहीं कर पाए पहले मैच के मैन ऑफ द मैच, यानी पहले मैच के जो जो मैन ऑफ द मैच रहे आज कुछ नहीं कर पाए, संदीप राज भी राहुल भी, आज कौन बनेगा नायक। तो 7वीं गेंद पर अपना खाता 26 से खोला है गोलू ने, अच्छी बल्लेबाजी करने के लिए जाने जाते हैं गोलू, गोलू के बल्ले से लॉन्ग ऑन एरिया में एक खाता लंबा छक्का अभी अभी निकला है, स्कोर 32, लेकिन खगड़िया के डबाउट में बिल्कुल खुशियां नहीं मनाई गई है कि अब एक बड़ा कोई विकेट टिककर यहां पर एक बड़ी साझेदारी देना होगा, एक बड़ी साझेदारी देनी होगी, छोटे छोटे अंतराल पर विकेट गिर रहे हैं। और देखिए यहां पे ग्रफ वर्क दिखेगा नहीं, काफी दूर रहने के 33/3 33/3 थोड़ी से आक्रामक अंदाज, आक्रामक पेपर भी नजर आए को खाता खुलना शेष, गोलू 7 पर, खगड़िया जे एन के 33, 159 रन अभी जीत से दो रिक्वायरमेंट रेट बढ़ता हुआ 10.5, 92 गेंदों में 159 रन चाहिए जीतने के लिए। लोगों ने अपील की लेकिन जिन्होंने गेंदबाजी की उनकी अपील नहीं आई और ओवर संपन्न हो गया।
उत्साह अधिक विश्वास कम, इस अपील में काफी दूर रह गए थे गेंदबल्ले से। 5 ओवर 33 रन 3 विकेट के नुकसान पर 90 गेंदों में जीतने के लिए 159 रन रिक्वायर्ड रन रेट 10.60। मंजिलें उन्हीं को मिलती हैं जिनके सपनों में जान होती है और पंख से कुछ नहीं होता, हौसलों से उड़ान होती है। आपको कहीं ना कहीं से अपने हौसलों में वो ताकत वो शक्ति झोंकनी होगी और लक्ष्य की तरफ देखना होगा। इतिहास ऐसे नहीं बनते हैं, इतिहास बनाने के लिए खुद को झोंकना पड़ता है। एक ऐसे गेंदबाज को आप गेंदबाजी करने से रोक नहीं सकते जिन्होंने संदीप राज जैसा एक बड़ा विकेट लिया है, तो लगातार गेंदबाजी कर रहे हैं। 3rd ओवर शुभम सिंह राजपूत 2 रन और 35 रन 5.1 ओवर बोलिंग ओवर अर्णव सिंह राजपूत 4 गेंदों में खाता नहीं खोल पाए अब तक। फ्लाइट बॉल और गेंद को बहुत खूबसूरत तरीके से स्लैश किया। मैं फील्डिंग की पोजीशन जमावट दिखाऊं, ऑफ साइड में देख लीजिए गली शॉट बैकवर्ड पॉइंट कवर एक्स्ट्रा कवर, कितना खूबसूरत सजा हुआ सजीवी फील्डिंग है ये। सुंदर शॉट लेकिन तेजी नहीं। वेरिएशन है इस गेंदबाज में, वेरिएशन है, गति परिवर्तन करते हैं चालाकी से। बिल्कुल बांध कर रखा है, डायरेक्ट अगर विकेटों की तरफ थ्रो आती तो फिर खतरा हो सकता था। बायां दायां संयोजन जब जब हुआ है तो फील्ड प्लेसमेंट में थोड़ा सा वक्त लग जाता है जब जब बल्लेबाजों ने सिंगल दिए हैं। हालांकि अंपायर अपने जगह को चेंज करने में थोड़े से बिल्कुल जो व्हाइट पट्टिका होती है उससे काफी बाहर अदृश्य जो व्हाइट पट्टिका, एक अपील जिसमें उत्साह भी नहीं विश्वास भी नहीं, रिक्वायरमेंट रेट 11 के पार जाता हुआ। और यहां पे क्या हुआ, उनके पंजे तो थे बाहर लेकिन जो एड़ी थी वो उठी हुई अपनी जगह से। बल्लेबाज ने ये भी देखा कि जी बिल्कुल मेरा पैर ऊंचा रह गया और मैं वापस चला, मुझे जाना होगा, लेकिन आपने अपनी टीम को संकट में छोड़ने का काम किया। इस विकेट से काफी उम्मीदें थी मुझे, मुझे ये उम्मीदें थी कि ये विकेट लगभग 50 रन की साझेदारी निभाएगा। मैं बार बार कह रहा हूं कि कोई भी टीम ये ना सोचे कि मैं किसी टीम को जीतते हुए देखना चाहता हूं, मैं बिहार को जीतते देखना चाहता हूं, मैं बिहार के बच्चों को अच्छा खेलते हुए देखना चाहता हूं, चाहे खगड़िया हो जमुई हो मुझे कोई मतलब नहीं। आप अच्छी क्रिकेट खेले तो मैं आपकी प्रशंसा करूंगा, आप बुरी क्रिकेट खेलेंगे मैं आपको समझाऊंगा। आपने यहां पे क्या किया भाई, ओ खगड़िया जे एंड के टीम की ताबूत में एक और किल ठुकता हुआ, 4 विकेट 36 रन पर। जमुई की टीम के 4 विकेट गिरे थे तो स्कोर था लगभग 125 रन 175। सोचिए कितना अंतर है। मैं यूट्यूब चैनल के दर्शकों को भी बता दी, कोई कंफ्यूजन नहीं होनी चाहिए, 4 टीमें बाहर की थी, जमुई बेगूसराय सहरसा सुपौल और 4 टीमें खगड़िया की, तो 3 टीमें खगड़िया की बाहर हो चुकी हैं, 1 टीम ये बची हुई थी। अगर ये बाहर हो जाती है तो फिर खगड़िया की कोई भी टीम इस टूर्नामेंट में दिखाई नहीं पड़ेगी। तो ये खामोशी खगड़िया के लिए एक कोई अच्छा मैसेज नहीं जा रहा है, एक बुरी खबर है खगड़िया की। स्थानीय आयोजक होते हैं, दर्शक होते हैं, यहां तक कि कभी कभी मैं भी, क्योंकि वही मुझे बुलाते हैं तो मेरा भी एक शौक होता है कि जिन्होंने मुझे बुलाया उनके लिए एक टीम रहनी चाहिए, तो मैं भी थोड़ा निराश हूं।
36 पर 4 जमुई। अच्छा शॉट है ये, बिल्कुल बेखौफ। दो चीजें करनी होगी, एक तो रन रेट को भी मेंटेन करना होगा और विकेट भी बचाने होंगे। 36 4 पर 6.1 ओवर, 11.28 की आस्किंग रन रेट, यानी प्रत्येक ओवर में आपको 3 चौके लगाने हैं। ओ हो, संघर्ष रत संदीप राज का। क्रीज के कोने से आए थे और जड़ में मारने की कोशिश, यॉर्कर लेंथ की एक रन और 37 जे एन के डी खगड़िया, 6.2 ओवर की गेंदबाजी। गोलू 11 पर, खाता नहीं खुला है, मगर काफी खेला, कोई गेंद नहीं खेली उन्होंने। अब उनके लिए मौका है कुछ साबित करने का, कुछ दिखाने का। बिल्कुल लक्ष्य की तरफ अभी मत देखिए, अभी आपका पहला लक्ष्य होना चाहिए विकेट के पतन को रोकना। अमन राहुल अकेडमी के सामने और ये गेंद अचानक जो बाहर की तरफ जा रही थी, अंदर की तरफ मूवमेंट। विकेट कीपर की पोजीशन आप देखिए, बिल्कुल विकेट कीपर अपनी बाई तरफ गए और नीचे गेंद कलेक्ट की, यानी गेंद में उछाल ली, तो बल्लेबाजों के लिए ऑकवर्ड पोजीशन हो जाती है। गेंद अपेक्षाकृत जब जब उछाल नहीं प्राप्त करती है, तो आप देख रहे हैं यूथ फाउंडेशन संरक्षक संजय खंडेलिया के तत्वावधान में खेला जाने वाला अशोक सानी मेमोरियल क्रिकेट टूर्नामेंट 2022 का ये प्रथम सेमीफाइनल मुकाबला है। जे एन के टी खगड़िया वर्सेस जमुई। जमुई की टीम ने कुल 191 रन बनाए और खगड़िया के जे एन के टी के सामने लक्ष्य रखा 192। खगड़िया की टीम मुश्किलों में फंसी हुई, 4 विकेट गंवा दिए 37 पर। 7वीं ओवर, राहुल फील्ड की समाप्त, विकेट कीपर से सिर्फ का क्षेत्र खाली, करीब लगभग पॉइंट, शॉट कवर घेरे के अंदर, ये ऑफ साइड में और ये जूम आउट करके मैं दिखला दूं कितना ग्रासी मैदान है, कितना हरा भरा मैदान है, हरियाला ग्राउंड है ये। दर्शकों की बैठने की व्यवस्था, लगभग 5,000 दर्शक तो आराम से गैलरी में बैठ सकते हैं। और ये गगन चुंबी, लेकिन यहां पे क्या बात, ओहो माय गॉड, क्या संभाला खुद को। मैं तो अपने मोबाइल पर देख रहा था कि कितने खूबसूरत तरीके से संभाला और क्या कैच पकड़ा है इस कम उम्र खिलाड़ी ने। बड़े बड़े सीनियर्स ऐसे कैच को लपकने में स्थानीय स्तर पर चूक कर देते हैं, लेकिन इस खिलाड़ी ने क्या कैच लपकी है, बैलेंस कितना खूबसूरत। और लीजिए आधी टीम पे मेरी यद में, आधी टीम पे मेरी यद में, आउट होने वाले बल्लेबाज अमन और नए बल्लेबाज गए हैं ग्राउंड में, केशव। यूथ फाउंडेशन के पुरुषोत्तम जी और रवि अग्रवाल, और उस तरफ गोगरी जमालपुर में आप हमसे मिले थे जनाब, बता दें नाम अपना। तरुण जी, जी बिल्कुल, आपसे मुलाकात हुई। आपका व्यक्तित्व, आपका व्यवहार, आपका स्वभाव मुझे काफी पसंद आया और कहीं ना कहीं से 14 में कमेंट्री करने लगता है, आप तो मुझसे मुलाकात करके बहुत खुशी होती है मुझे, लेकिन बिल्कुल खामोशी पसर गई है। स्थानीय समर्थकों में कोई उमंग, कोई उत्साह नजर नहीं आ रहा है, लेकिन पता नहीं मुझे कैसा ऐसा लग रहा है कि कोई अब धमाका होगा। जब आप कभी कभी, आपने देखा होगा कि कोई कमजोर जीप पर आप अटैक करते हैं तो फिर खुरखार हो जाता है, और यहां पे 5 विकेट जो गिरे, अब यहां से कोई भी बल्लेबाज बेखौफ खेलेगा। और मेरा मानना है कि दबने की जरूरत नहीं है, 5 विकेट आपने गंवा दिए हैं, हथियार डालने की जरूरत नहीं है, जोशीला खेल दिखाइए। स्ट्राइकिंग रेट बढ़ता हुआ 12,
बिल्कुल 11.92। सही किया आपने, विकेट्स भी बचाने हैं, लेकिन कुछ समय बाद ये आस्किंग रेट का जो दबाव है वो बढ़ता चला जाएगा। गोलू और केशव, गोलू 12 पर, केशव का खाता नहीं खुला है क्योंकि अभी स्ट्राइकिंग एंड पर गए नहीं है केशव। और यहाँ पे एक चौका, जी हाँ, मस्ट बी रेट 4। ये मत मानिए कि अभी काफी पीछे है टीम, कई दफे चौके जब निकलने शुरू होते तो पता चलता भैया अब सिलसिला शुरू हो गया है, मनोबल को बिल्कुल कोई भी लक्ष्य बड़ा नहीं, जीता वही जो डरा नहीं। मुश्किलों से भाग जाना आसान होता है, यहां हर पहलू जिंदगी का इम्तिहान होता है। डरने वाले को यहां कुछ मिलता नहीं दोस्तों, और डरने वालों के कदमों में सारा जहान होता है। इतिहास बनाने का दिन है, लड़ाई तेज रखिएगा आपके। एक कमेंटेटर की आदत होती है कि कोई अगर हार रहा होता है, पिछड़ रहा होता है, तो उसे पैडल कर देना। जो भी कहें, जमुई के बल्लेबाजों के साथ साथ गेंदबाजों ने भी अपनी प्रतिभा की झलक दिखलाई है। यहाँ पे 5 रन अब तक आए हैं शुभम सिंह राजपूत के, कोटे की आखिरी बॉल लीजिए, 3 विकेट, 28 रन, 4 ओवर, पूरी तरह से बैकफुट पर अगर किसी गेंदबाज ने धकेला है खगड़िया जे एन के डी को, तो स्क्रीन पर दिखाई पड़ने वाला ये गेंदबाज शुभम सिंह राजपूत बहुत ही सुंदर गेंदबाजी के एक्शन, बिल्कुल हरभजन सिंह से मिलता जुलता है, और क्या गेंदबाजी की है इस गेंदबाज ने। स्कोर है 44, 5 विकेट का नुकसान हुआ है जेएन के डी खगड़िया का, 8 ओवर निकल गए, अब रिक्वायर्ड रन रेट 12.5 से ऊपर जाता हुआ, 72 गेंदों में 148 रन चाहिए। काफी स्पिनर्स के फॉल लेकर आई है जमुई की टीम, उसमें भी बाएं हाथ के, और गेंदबाजी एक्शन देखिए, ओहो, रशीद खान की तरह थोड़ा सा देखिए इनका गेंदबाजी एक्शन, डिलीवरी, कंधा और सर, ओ अच्छा, और ये छक्का निकलेगा भैया, वाह 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 वाह, बिल्कुल यहां पे भरोसा दिलाते हुए कि अभी तीर चूका नहीं, अभी लक्ष्य पर मेरी नजर है। एक चौका निकला था पिछले ओवर में, एक छक्का निकला अभी अभी, 50 रन पूरे हो गए, 5 विकेट, 50 रन जेएन के डी खगड़िया, और मुश्किल से इस 50 रन को अपने काफी सैनिकों को गवा कर, बड़े बड़े दिग्गजों को गवा कर खगड़िया ने 50 रन इकट्ठे किए। और लीजिए शॉट ऑफ प्लेन, गेंद पर क्या शॉट है, डीप विकेट एरिया, जेएन के डी कर दिया है कि अंदर जाते हैं, शानदार 2 लगातार छक्के निकले हैं, और कहीं ना कहीं से खगड़िया के डगआउट में थोड़ी सी खुशियां लौटती हुई। 56 पहली गेंद डॉट, दूसरी गेंद छक्का, तीसरी गेंद 6, चौथी गेंद पर क्या होता है अर्शद अफजल, बहुत ज्यादा बाहर, भाग्यशाली रहे गेंदबाज की मैट के बाहर नहीं टप्पा पड़े, नहीं तो फ्री हिट का इशारा आता है, नो बॉल का इशारा आता है, नया नियम बना है राइट, गेंद के बदले और गेंद खेलनी होगी। और यहाँ पे गेंद चली जा रही है काफी दूर हवा में, दौड़ को लगाई गई थी स्क्वायर लेग की दिशा से क्षेत्ररक्षक के द्वारा, दो बैंस लेंथ में थी गेंद,
और रन की सिंगल के जरिए कुल रन खगड़िया का 5 विकेट के नुकसान पर 58। और नीचे चौका निकल गया यहाँ पे वाइड फोर, चौका ही नहीं निकला पंजा। तो ये ओवर अब तक बेहतरीन घटता हुआ, 2 छक्के आए, 1 पंजा निकला, 1 सिंगल, 2 छक्का, 1 चौका, तरह तरह के रन दिखाई पड़ रहे हैं। दो गेंद क्योंकि इस ओवर में थोड़ी तेज गेंद आ गई, तैयार नहीं थे बल्लेबाज, आखिरी वक्त में खड़े खड़े अपने सामने दबाया एक बार मोहम्मद अफजल। बल्लेबाज ने केशव खाता नहीं खुला है उनका, गुल 30 पर। एकमात्र ऐसे बल्लेबाज जिन्होंने कहानी बदलने की कोशिश की है। तेज गेंद लेग साइड की तरफ गेंदी मूव में, एक और ओवर संपन्न, 66 गेंदों में 129 रन चाहिए, 9 ओवर 63 रन, 5 विकेट के नुकसान पर जे एन के लिए खगड़िया। पोलराइज्ड चश्मे में गॉगल्स में बड़े खूबसूरत हैंडसम दिखाई पड़ रहे हैं अंपायर मनोहर कुमार, और उस तरफ हैट में हैंडसम एंड डैशिंग विनोद झा। ये है सिक्स, बहुत खूबसूरत ढंग से ये छक्का उछाला है, लाइट स्क्रीन के ऊपर से गेंद चली गई सीमा रेखा के बाहर 6 रन के लिए। 5 विकेट के नुकसान पर 36-24 गेंदों में 9.1 ओवर की गेंदबाजी, 69.5 रन, 10वें ओवर की पहली गेंद पर क्या स्वागत किया है भाई गोलू ने, राहुल गोलू के लिए चोट खा चुके हैं, पहली गेंद पर छक्का लगा है, क्या करना चाहेंगे राहुल और गोलू के मन में क्या चल रहा है। भाई गोलू के मन में चल रहा था फिर से मैं छक्का लगा लगी, क्या कैचिंग कर रहे हैं आज, साधारण मैच कैच को गिराया जा रहा था पिछले 2-3 दिन से, हम सभी परेशान थे, लेकिन आज जमुई के लड़कों ने या कहिए लड़ाकों ने दिल जीत लिया। वाह, फील्डर का नाम बचाए जी, फील्डर सौरभ, तुम्हारी फील्डिंग देखकर दिल खिल गया, सौरभ तुम्हारी फील्डिंग देखकर दिल खिल गया, मानो भारत को एक और अजहरुद्दीन मिल गया, बहुत ही शानदार फील्डिंग। बिल्कुल वही बातें याद आ रही हैं, 9.1 बॉल के बाद ड्रिंक से जनरल हो गया था, गेम गया था, दो में यहां कई घटनाएं आपको लगेगा जिंदगी में कि ये तो घटना हो चुकी है मेरे साथ, सेम बाजार में चलने वाला, कोई व्यक्ति से बात करने वाला, कहीं बैठने, 9.2 ओवर पर उनका भी एक विकेट गिरा था जमुई का, और हमारी प्यारी जे एन के डी खगड़िया की टीम ने भी एक विकेट गवा दिया है अभी 9.2 पर। स्कोर फिर से मैं बता दूं, 69, 6 विकेट के नुकसान। बेशक इस मुकाबले को देखने के लिए दर्शक मौजूद नहीं है, लेकिन जब मैच खत्म होता है तो मेरे मोबाइल पर लाखों की संख्या में तो नहीं, हजारों भी नहीं, लेकिन 500,000 दर्शक भी देख रहे हैं तो देख रहे हैं, उनका कमेंट भी आता है, तो उम्मीदें जगी थी कि खगड़िया की टीम बाहर हुई है, ये टीम फाइनल में अगर चली जाए तो फिर मजा आ जाएगा, लेकिन आज थोड़ा सा अब 70-30 का मामला जम गया है, 70 नहीं 80% प्रेडिक्शन में जमुई की टीम आगे चल रही, 6 विकेट चले गए, उछले जो बल्लेबाज होंगे यानी समझ लीजिए कि, लेकिन एक बात भैया जहीर खान ने भी शतक ठोका,
अश्विनी ने भी शतक ठोका है, हरभजन सिंह ने शतक ठोका है। इन बातों को खगड़िया के पिछले बल्लेबाज को ध्यान में रखना होगा। बना दीजिए इतिहास ताबड़तोड़ अंदाज में, कोई खौफ नहीं, कोई डर नहीं। दुनिया का हर शौक पाला नहीं जाता और कांच के खिलौनों को हवा में उछाला नहीं जाता, और मेहनत करने से हो जाती है हर मुश्किल आसान, क्योंकि हर काम को तकदीर पर डाला नहीं जाता, आपको मेहनत करनी होती है किसी भी काम को जीतने के लिए, किसी भी लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए। बल्ले से तो अच्छी आवाज आई और ये भी आवाज आई कि चलो हम अब दूसरे इंड पर आए हैं, भैया आप कुछ कीजिए। बेशक चार गेंदों में अपना खाता नहीं खोला, पांचवी गेंद का सामना करेंगे राहुल। तीसरी ओवर 17 रन को लिखे, तो सिंह साहब और राहुल ने मिलकर 5 विकेट उखाड़ लिए हैं। ग्यारह हजार इनामी राशि, 5100 रनर को यूथ फाउंडेशन तत्वावधान में श्री संजय खंडेलिया इनके संरक्षित हैं और उनके मार्गदर्शन, उनके काफी कुछ सहयोग से ये टूर्नामेंट खेला जा रहा है। हमारे साथ मैं बार बार बता रहा हूँ, हृदय अग्रवाल पुरुषोत्तम जी भी यहाँ पे मौजूद, जो संघ से जुड़े हुए हैं, कमेटी से जुड़े हुए हैं, और जब द ग्रैंड फिनाले आएगा तो उस दिन ग्राउंड का वातावरण आपको अलग नजर आने वाला है। 3 तारीख सुपर संडे याद रखेंगे आप, फाइनल का दिन 3 जुलाई, कल दूसरा सेमीफाइनल बेगूसराय वर्सेस सुपौल। गेंद हवा में, शेषरक्षा गेंद के नीचे आवर लीजिए, यहां पर नोट का इशारा था तो एक और इशारा होगा सुदर्शन चक्र घूमने का। जी बिल्कुल, विष्णु जी ने कहा कि सुदर्शन चक्र मेरा चला है, चलाओ जिस तरह के तीर चलाओ, लेकिन तुम्हारा बच्चा बाल बांका नहीं होगा, रन आउट से बच के रहना। ये दौर बंदे की मुलाकात नहीं, रनों की कोई बात नहीं। रन 73 ओवर संपन्न, 10 ओवर 73 रन 6 विकेट के नुकसान पर 119 रनों की आवश्यकता, 11.90 की आस्किंग रन रेट, प्रत्येक ओवर में 3 चौके लगाने होंगे। 2 चौके लगाइए भी तो चलेगा, लेकिन आपको 2 रन और 2 सिंगल लेने होंगे, तो ये आंकड़ा चल रहा है। 2 छक्के लगाइए, 4 डॉट गेंदे खेली, तो काफी कुछ अभी मैच में बचा हुआ है। 7 गेंदे शेष हैं और यहां से लड़ाई को थोड़ा तेज करने की जरूरत, खुलकर बल्लेबाजी करें आप। सिंह साहब आए गेंदबाजी, 3 विकेट ले चुके हैं। जी नहीं, सिंह साहब ने जब एक्शन बड़ा ही शानदार है, पूरा कंधा घूम जाता है और इस वजह से कभी कभी इनकी गेंदें छोटी गेज पर आ जाती है। बड़े बड़े चौड़े ट्रैक बने हुए हैं रेलगाड़ियों के लिए और पुराने गेज पर इनकी पटरी पर आ रही है गेंदें। लंबा लंबा बहुत ही, ये तो बड़ा ट्राइंग है, नब्बे मीटर की दूरी वाला छक्का अभी अभी निकला, मोमेंटम बदलने की कोशिशें हो रही है। 80 गेंद हवा में लीजिए और यहां पर एक और विकेट का पतन, छक्के तो लग रहे हैं, चौके भी लग रहे हैं, लेकिन विकेट भी गिर जाते हैं 2-3 बार। 7वीं विकेट 80 पर, 192 रन बनाने थे,
112 रन अभी लक्ष्य से दूर। हस्ती प्रताप मुश्किलों में फंसती हुई पूरी तरह से इस मैच पर अपना शिकंजा अपनी पकड़ बना चुकी है जमुई की टीम। बहुत सारी उम्मीदें थी खगड़िया के दर्शकों को आयोजकों को कि खगड़िया की चार टीमों में से एक टीम फाइनल में जाए जा सकती है, लेकिन जमुई के लड़ाकों ने दिल जीतने का काम किया आज भी। बल्लेबाजी अच्छी हुई है, गेंदबाजी अच्छी हुई है, फील्डिंग अच्छी हुई है, कैचिंग बहुत शानदार हुई उनकी। ओवरऑल मैं 10 में से 10 नंबर दूंगा उन्हें। 7 विकेट का खत्म हो चुका है 80 पर। 112 रन बनाने हैं 55 गेंदें बची हुई 12.22 की आस्किंग रन रेट से। एक छक्का लगा है, बाकी गेंदें दौड़ आई है। अब चल ओवर संपन्न होता हुआ गेम और 11 ओवर 80 रन 7 विकेट जीतने के लिए जीतने के लिए खगड़िया को 54 गेंदों में 112 रन की जरूरत। मात्र हाथ में विकेट शेष बचे हैं 3। अच्छी गैदरिंग, ग्लव वर्क भी अच्छा। खिलाड़ियों को ध्यान से देखें तो आपको कम से कम 8 खिलाड़ी बहुत ही कम उम्र के मिलेंगे इसमें, 8 से 9 जब उनकी टीम में। और यहां पर गैप नहीं ढूंढ पाए, एक रन सिंगल से 6 मिनट के लिए खगड़िया 81 111 नीट। अब भी जरूरत 3 खंभों की यानी 111। हमारी भारतीय सभ्यता संस्कृति में सनातन धर्म में इन 3 खंभों का बहुत महत्व है। 111 हम लोग किसी बाबा को कभी कभी 111 रन दूर आधे रन के करीब अभी नहीं पहुंची है खगड़िया जे एंड के डी की टीम। वक्त की अगर बातें करें 3:05 मयंक मेहता फ्लाइटेड बॉल पूरी तरह से छकाया चक्के में डाला बल्लेबाज को। ये देखिए गहरे घने बादल आकाश में छाए हुए और खगड़िया के ऊपर संकट के बादल छाए हुए। 87 विकेट का मतलब हुआ है। दर्शकों की तरफ अगर देख रहे हैं तो कुछ बच्चे आए हैं उस तरफ, बेशक ग्राउंड खाली लेकिन आयोजन का स्तर बड़ा ही उच्च स्तरीय है। ग्राउंड बहुत ही खूबसूरत है आपका और देवजीत की जितनी प्रशंसा की जाए, जो अकेडमी उनके अंदर यहाँ खेलने आती, जो बच्चे मदद करते हैं, जो कमेटी के छोटे छोटे खिलाड़ी बच्चे हेल्प करते हैं जब बारिश होती है फील्ड सुखाने का मैट बिछाने का, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद आप सबों को। साथ ही साथ धन्यवाद यूथ फेडरेशन के संजय खंडेलिया साहब को कि बड़ा योगदान दिया है उन्होंने इस टूर्नामेंट में। लीजिए कॉल ओवर संपन्न 87 रन 7 विकेट के नुकसान पर 12 ओवर संपन्न 110 रन चाहिए 48 गेंदों में 14 रन प्रत्येक ओवर में चाहिए जीतने के लिए। लेता हूं तो मुझे वेलकम मार्शल माइकल होल्डिंग जोन गार्डनर भी बढ़ते सब नजर आने लगते हैं। रिचर्ड हेडली, इमरान खान, मर्व ह्यूज बाजी करते थे, फिलिप ह्यूज, जेसन गिलेस्पी, ब्रेटली, शोएब अख्तर, अब तक रिकॉर्ड टूटा नहीं है शोएब अख्तर का। उस्मान जरूर तोड़ेंगे
161.5 रन का जो रन था। उमरान जी बिल्कुल नहीं, उमरान से काफी उम्मीदें हैं और ऐसे में ये पेस गेंदबाज दिखाई पड़ रहा है। यहाँ पे एमवी साजिद चंद मोना पहली ओवर दो गेंदे डाल चुके हैं, 1 रन 83 रन खगड़िया जे एन के टीम 3-1। नो बॉल ओवर स्टेपिंग, 84 बल्लेबाज ही है, मुझे जानकारी मिली और यहां पर गैप ढूंढी गई, एक चौका जी बिल्कुल कहना मुश्किल होता है। जमुई की टीम एक वक्त बिल्कुल लग रहा था कि मैच गंवा देगी, पहले मैच में क्या जबरदस्त वापसी की, यहां तक कि सुपौल वालों ने लाजवाब खेल दिखाया और उनकी टीम भी जबरदस्त वापसी करते हुए सेमीफाइनल में जगह बनाई। बचाया विकेट अपना, बिल्कुल ये उछलते बल्लेबाज नहीं है, ये अच्छे बल्लेबाज हैं, इस तरह की गेंदों को इतना भली भांति संभाल लेना गेंदबाज नहीं संभाल पाते, बहुत अच्छी। लेकिन अब जो रफ्तार आपने दिलाई थी, जो उम्मीदें जगाई थी, उसे भी देखना होगा। 14 की आस्किन रेट जाती हुई 88.7। मोना राइट कवर द विकेट, अंपायर को पार किया, गेंद को दिशा दिखाई है बैकवर्ड पॉइंट की दिशा में, एक और आउट बॉल, मात्र 5 रन खर्च किए हैं, 5 गेंदों में 6 रन खर्च किए हैं मोना ने, 43 गेंदों में 104 रन चाहिए खगड़िया को, ये रन बन जाते लेकिन विकेट बड़े बल्लेबाज पेविलियन में बहुत तेज रफ्तार की गेंद, क्रीज के कोने का इस्तेमाल किया था, डायगोनल गेंद गई थी अपने साथ, अपने सामने हिट किया गेंद को, 3 ओवर जीत गई थी। 3 ओवर के बाद 88 रन 7 विकेट के नुकसान पर जीतने के लिए खगड़िया को 104 रन चाहिए 42 गेंदों में। शानदार 48 रन बनाने वाले, मैं 50 रन बने, ये लीजिए ये गेंद चली गई 6 रन के लिए, लाजवाब लॉन्ग ऑन एरिया में उछाला है बाएं हाथ के बल्लेबाज आलोक ने और स्कोर अब चला गया है 94-94। ये बॉल जी नहीं, क्षेत्ररक्षक मौजूद, डॉट बॉल 94 लॉस ऑफ चमन, शब्द 6 पर आलोक 8 पर और यहां पर उछाला है, सामने का क्षेत्र बिल्कुल खाली, चौका मस्ट विकेट फोर, ऐसे ही शॉट्स की आवश्यकता होगी। 10 रन आ गए इस ओवर से, प्रत्येक ओवर में 14 रन चाहिए 15 के लगभग, 14.84 ऐसी ही कोशिशें करनी होगी आपको। मैं हाथों को खींच लिया, गेंद को डिलीवरी करते वक्त शॉर्ट आर्म थोड़ा सा थोड़ी सी छोटी हाथ से गेंद की, समझ नहीं पाए बल्लेबाज। 98 फ्लाइट इस बॉल डॉट के साथ ओवर संपन्न होता हुआ, इस ओवर में रहा हरी वाली बात, सम्मान बचाने की लड़ाई अब खगड़िया की टीम लड़ रही है। 10 रन आए, कभी कभी सम्मान बचाने की कोशिश में टीमों को मैंने जीतते हुए भी देखा है कई अवसर पर, यहां का बहुत लंबा है, 1-2 नहीं, मैं बतलाऊं 35 साल से मैं कमेंट्री कर रहा हूं, 35 ईयर्स से, और कई दफे मैंने देखा है कि मोमेंटम बिल्कुल चेंज हो गए। अब तो आईपीएल में देख रहा हूं मैं, वो पुरानी घटनाएं, अच्छा
अच्छी गेंद, बहुत ही अच्छी गेंद थी। चलिए इस गेंद को बढ़ाते हुए मुना एक बार फिर, पहले ओवर में 6 रन खर्च किए थे मुना गेंदबाजी एक्शन ने। डॉट दबाव बढ़ता हुआ, रिक्वायर्ड रन रेट 16.5 और स्कोर है 98। कोशिश की थी लेकिन कदमों को बाहर भी निकाला था, लेकिन गेंद बल्ले पर आई नहीं और आखिरी वक्त में विकेट कीपर को भी अपने ले गार्ड्स लगाने पड़े। 98 94 रन 33 गेंदों में, रिक्वायर्ड रन रेट 17 के ऊपर चला गया है, 17.09। ये गेंद हवा में, मैं खामोश हो जाता हूं, काम करने देता हूं क्षेत्र रक्षकों को। जी हां, एक और विकेट का पतन गली के एरिया में गेंद उछले थे और वापस लौट रहे हैं केशव। एक और विकेट का पतन, 8वीं विकेट पवेलियन लौटी। भैया कैच कर लिया, तो पूरी तरह से यहां पर अब JNKT खगड़िया की टीम बैकफुट पर नजर आ रही है। 8 बल्लेबाज चोटी के शीर्ष क्रम के बल्लेबाज पवेलियन लौट आए हैं और लक्ष्य से कोसो दूर। 98 for 8 आफ्टर 14.4 ओवर्स, नीड मोर 94 इन 32 बॉल्स, रिक्वायर्ड रन रेट 17.62। मोना जो कि चांद के नाम से भी जाने जाते हैं, मोना ओवर स्टेपिंग पेस करने के चक्कर में बहुत तेज रफ्तार की गेंद थी। मुझे लगता है स्पीडोमीटर तो है नहीं मेरे पास, आज के दिन की सबसे तेज गेंद लगभग 135 से 37 तो जो गई होगी बैटिंग पिच पर। बैटिंग पिच पर एक अलग रफ्तार होती है गेंद की, तब अलग चीज। और गेंद चली जा रही है फाइन लेग की दिशा में, कपल ऑफ बाउंसेस, बॉल को सिंगल बॉल बाउंड्री फॉर फोर एंड खगड़िया ने भी यहां पर 100 रन पार कर लिए। 103 रन नहीं लिया भाई, पूरे टूर्नामेंट में मुझे किसी टीम ने अगर प्रभावित किया, मुझे ही क्या, मैनेजमेंट कमेटी को भी, खुद खगड़िया के लोगों को भी, ये जमुई की टीम ने काफी प्रभावित किया। दिखने में बिल्कुल विस्फोटक नहीं लगते हैं, बिल्कुल कूल माइंड लगता है, छोटे छोटे बच्चे आए खेलने के लिए, जैसा कभी भारत की टीम वेस्ट इंडीज में गई थी खेलने के, तो वेस्ट इंडीज वालों ने बहुत कम आका था, सुनील गावस्कर इतने छोटे लगते थे, चेतन चौहान वगैरह सब, और क्या तहलका। सुनील गावस्कर को तो ये भी कहा गया था कि तुम बच्चे हो चले जाओ, हमारे गेंदबाज तुम्हारी जान ले लेंगे। 774 रन पहली सीरीज में बना दिए थे सुनील गावस्कर ने, कमाल होता है ये तो, ये बच्चे जमुई के कमाल कर रहे हैं। जमुई की ब्लैक कैट टीम खेलने आती थी सूरज ग्रह, 7 भाई खेलते थे उसमें, मुझे याद है वो जमाने, आज की बात नहीं, 85 88 90 की बात कर रहा हूं। और यहां पे मौका था कि गेंदबाज कप्तान मयंक मेहता को एक और विकेट, पहली विकेट मिलती, बस थोड़ी औपचारिकता शेष है। बनाने हैं 21 रन रेट चला गया, प्रत्येक घटते बॉल में एक रन बढ़ जाएगा आस्किंग रन रेट। ये बॉल 6 के लिए जा चली जाएगी, बिल्कुल 6 के लिए जाएगी और
थोड़ी सी राहत देने की कोशिश कर रहे हैं ये दोनों बल्लेबाज। एक छक्का भी अभी निकला 110 आठ पर खगड़िया। ओवर संपर्क 16 ओवर 110 रन 8 विकेट के नुकसान पर 82 रन 24 गेंद। मुकाबले को आप देखिए मेरे चैनल कमेंटेटर पी एन शेखर पटेल से। मैं बता दूं 6 बजे ये अपलोड हो जाएगा, 6 बजे से इस मैच को आप देख सकते हैं। जमुई के खिलाड़ी भी कमेंटेटर पी एन शेखर सब्सक्राइब कर लीजिए। ये 24 गेंदे बिल्कुल विकेटों के सिर में पकड़े गए और विकेट प्राप्त किया है संदीप रावत ने पहली गेंद फेंकी इस मुकाबले में और विकेट ले लिए 48 रन भी बनाए थे। तो क्या ये क्रिक हीरोज पर मैन ऑफ द मैच के लिए आगे बढ़ेंगे? आखिरी जोड़ी बीच मैदान में मात्र मैं बोल रहा हूं, मेरा भी दिल आज थोड़ा सा छोटा। इन बहुत सारी शुभकामनाएं जमुई के बच्चे, मैं सुबह से ही कर रहा हूं आपको, आपका खेल लाजवाब रहा, बहुत ही शानदार रहा और संभावित विजेता के रूप में आप मुझे नजर आ रहे हैं इस पूरे टूर्नामेंट के। कहीं आप विजेता न हो जाए, जिस तरह से आपका परफॉर्मेंस आपके बच्चों ने, क्या बात क्या बात क्या बात। जमुई के लिए मैं यही बोल सकता हूं, ये क्या है, क्या खेल दिखाया। आखिरी विकेट, ढेर सारे रन बनाने हैं, 110 रन बने, 192 रन चाहिए थे जीतने के लिए और ये छक्का चला गया। बिल्कुल छोटी सी बाउंड्री, बिल्कुल छोटी सी बाउंड्री, बार देखिए दौड़ के और लीजिए इसी के साथ यहां पर ऑल आउट हुई दूसरी सफलता प्राप्त की संदीप रावत ने। ये मैच यहां पे संपन्न हुआ, जमुई की टीम इस मुकाबले को जीत चुकी है, फाइनल में प्रवेश कर चुकी है, ऐसा कहें तो ज्यादा बेहतर होगा। ये बताते हुए कि आज के इस मुकाबले को जमुई की टीम ने जीत लिया है। कुल कितने रनों से जीता वशिष्ठ, आप ये बताएं? 75। तो ये बताते हुए कि आज के मुकाबले को 75 रनों से जीता है जमुई की टीम ने और फाइनल में प्रवेश कर चुकी है। मैन ऑफ द मैच कौन हुए वशिष्ठ, बता दें? संदीप रावत मैन ऑफ द मैच, 2 विकेट लिए उन्होंने और 48 शानदार रन बनाए। कल का मुकाबला कितने बजे से होगा देवराज, आप बता दें? फाइनल। कल का मुकाबला कितने बजे से? सेमीफाइनल 1 बजे से। ये बताते हुए कि कल का मुकाबला दिन के 1 बजे से खेला जाएगा, दूसरा सेमीफाइनल सुपौल वर्सेस बेगूसराय। दीजिए पी एन शेखर को इजाजत, मैं अपनी पूरी टीम ऑनलाइन स्कोरिंग वशिष्ठ योगेश जो मुझे हेल्प कर रहे थे और पूरी कमेटी, दोनों अंपायर विनोद झा मनोहर जी और देवराज के साथ आपको आकाशवाणी की स्टूडियो वापस ले चलता हूं। जय हिंद जय भारत।